खुदावन हम में से कई लोग भाई को देख के नसीहत प्राप्त करते हैं प्रभु। ओ खुदावन की एक योद्धा कैसे होता है प्रभु, आपने ना केवल इनको एक शारीरिक नेवी में योद्धा बनाया प्रभु, लेकिन एक आत्मिक रूप में भी आपने एक योद्धा बनाया प्रभु, जो परस्पर तैयार रहते हैं खुदावन कि कैसे सुसमाचार लोगों तक पहुंच सके प्रभु। और आज इस खुशी में जबकि हम यहां इकट्ठा हुए प्रभु, आपका धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह ऐसे योद्धाओं के लिए खुदावन जो आपने हमें दिए हैं प्रभु। कैसे हम कल देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह, दाऊद के कुछ योद्धा हैं खुदावन जो एनिमीज के कैंप को देख के डर नहीं रहे प्रभु, उन टुकड़ियों को देख के डर नहीं रहे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन वो तैयार है खुदावन घुसने के लिए, उनको भेदने के लिए प्रभु, ताकि अपने राजा दाऊद के लिए पानी लेके आए खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना है खुदावन, ना केवल हमारा भाई टाइटस ही प्रभु, लेकिन हम में से हर एक खुदावन जो यहां बैठा है प्रभु, और जो इंटरनेट के माध्यम से सभा को सुन रहे प्रभु, हम में से हर एक परस्पर तैयार हो सके प्रभु इस बैटल फील्ड में आगे बढ़ने के लिए खुदावन, अपने मनों को दुनिया की सब चीजों से हटा करके प्रभु आपकी ओर एकाग्र करने के लिए प्रभु। आप ही सच्चे इकलौते वाहिद खुदावन है प्रभु, धन्यवाद देते हैं उस सितारे के लिए जो आपने इस ऑब्जर्वेटरी में यहां भेजा खुदावन, ताकि कुछ लोग उसको देख करके पहचान पाए कि प्रभु की आमद हो गई है, वो वचन रूप में आ चुके हैं। ओ खुदावन, मेरी प्रार्थना है प्रभु हमारी आंखों को और अधिकाई से खोले प्रभु, ताकि आपके वचन के गहरे तथ्यों को हम और जान सकें प्रभु। तमाम भाई बहनों को जो यहां पर खुशी में शामिल हुए हैं, बड़ी बरकत दें प्रभु। हमारे अजीज पास्टर भाई को आप बड़ी बरकत दें, और आज शाम को प्रभु उनके माध्यम से हमसे बातचीत करें। आपका नाम मुबारक हो, स्तुति हो, बढ़ाई हो, सदा सर्वदा होती रहे प्रभु। इस प्रार्थना में धन्यवाद की भेंट को, इस मीटिंग की सारी कार्रवाइयों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप लोग खुश हैं तो आइए हम लोग गीत गाएंगे, गीत का नंबर 236। थोड़ा रिवर्ब बढ़ा दे प्लीज। 236। हम दो जलाल और इज्जत अब आपकी आए मसीह, यूं लड़कों ने सिताइश और पाक होशन्ना की। आमीन। जब खुदावंद उतर के आए हैं तो हम चुपचाप तो बैठ नहीं सकते ब्रदर, कुछ है जो अंदर होने लगता है, कुछ एक आत्मिक उन्माद है, कुछ एक धन्यवाद है। आमीन। तो जलाल और इज्जत अब आपकी ये मसीह, यू लड़कों ने सिताइश और पाक होशन्ना की। आप इज़राइल के बादशाह शहज़ादा बिन दाऊद अब रब के नाम में फरिश्ते हैं आपके सन्ना ख्वान, बड़ाई में शामिल जमीन पर सब इच्छा। आप इज़राइल के बादशाह शहज़ादे बिन दाऊद अब रब के नाम में आया, हाय मोची पा मैं मूँ पेशाए थे इब्रानी हाजीम और अरब से, हमारे भी नजरा के नाम में आ।
आप इज़राइल के बादशाह हैं, आप शहजादा बिन दाऊद, क्योंकि अब समय आ गया है कि दाऊद की गद्दी अब आप ले खुदावंद। हजार सालाना बादशाह में, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहां खड़े हैं खुदावंद, अपने नजराने आपको चढ़ाना चाहते हैं, अपन शबरी शुक्र गुजारी आपको चढ़ाना चाहते हैं। प्रभु आपके नाम की तारीफ हो, स्तुति हो, पढ़ाई हो, आपका धन्यवाद युगान युग सदा होता रहे। प्रभु इस आमद के लिए खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, ताकि इस आमद में एक इनविजिबल यूनियन हो सके, दूल्हा दुल्हन के साथ एक हो सके। आज दूल्हा दुल्हन में समाया है, आमेन। वचन के रूप में प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ताकि हम आगे को उसके साथ एक दृश्य मिलाप में भी पहुंच सके, आमेन। हालेलुया। आप लोग बैठ सकते हैं। मैं भाई विश्वास को और भाई बोआज को बुलाना चाहूंगा सामने एक खास गीत के लिए। इस उपलक्ष्य में हम लोग गाना चाहते हैं, New things have been declared, I know, Amen, Hallelujah. Till this day, no man could tell us just where we came from and where we go from here. Thank you, Jesus. But through the eyes of the prophet, God revealed to us before God was God, all the way to future hope. New things have been declared, I know very soon I'll be raptured out of fear. The angel of God is here, leading our souls into fixing things for us to leave. Oh, oh yes, He's waving visions of ourselves before us, so we can walk step by step into what we behold. New things, new things have been declared. Out of fear, the angel of God is here, leading our souls into the invisible, the inaudible.
eyes have not seen nor ears heard the things that God has prepared for those whom He loved. But in this day God displayed, if you say nothing shall be impossible unto you. New things have been declared. I know very soon I'll be raptured out of here. The angel of God is here, leading our souls into the invisible, the inaudible, God not seen for 2,000 years. Amen, that's right. Appeared. He's there fixing things for us to leave. Oh Lord, His veiling visions of ourselves before us. Glory. So we can walk step by step into what we behold. New things have been declared. I know very soon I'll be raptured out of here. The angel of God is here, leading our souls into the invisible, the inaudible, faith to believe for the impossible, in this new day. Determined, declare my praise. Oh, sound this people I form for myself. God, the angel of God, which was not seen for 2,000 years, has appeared in this day. He's come for His people, you know. The seventh seal is open. The seventh seal has come to identify Himself with certain few people. Amen. Amen. Hallelujah. This is very personal. I would say this is very, very personal. Ye dood, ye roshni, ye mahabali dood. हर एक किसी के लिए नहीं आए, एक खास ऑब्जर्वेटरी में, एक खास ऑब्जर्वेटरी में कुछ लोगों ने इसको पकड़ा है और जाना है कि ये क्या है। हे मैन, हालेलुया, प्रभु के नाम की तारीफ हो। मैं अपने अजीज एल्डर भाई टाइटस को बुलाना चाहूंगा कुछ शब्दों के लिए। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, 27, मैं कहूँगा अपने लिए 27 दिसंबर के लिए, 28 दिसंबर के लिए। आज हमने प्रभु का धन्यवाद की मीटिंग रखी।
कि प्रभु ने मेरे और मेरे वाइफ के विवाहिक जीवन में 50 साल जोड़े। ये प्रभु का अनुग्रह है। इसलिए जैसे भजन संहिता 103 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मैं प्रभु के किसी उपकार को नहीं भूल सकता। हमने पिछले सालों में, अब मेरी उम्र करीब करीब 78 साल की होने वाली है, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं नागपुर का हूँ और मेरी वाइफ देहरादून की। लेकिन कहते हैं हर एक मैरिजेज प्रभु ने बिना आरंभ से पेशता देख ली थी। ऐसा हुआ हम शुरू से ही हम पेंटिकॉस्टल बैकग्राउंड के, मतलब मैं पेंटिकॉस्टल बैकग्राउंड का हूँ। हमारे फादर पेंटिकॉस्टल चर्च के नागपुर में पास्टर थे। हमारी वाइफ CNI के बैकग्राउंड की है। इनके पेरेंट्स बहुत सिंपल, वेरी पायस पीपल, बहुत अच्छे लोग, CNI के थे। लेकिन प्रभु देखिए कैसे जुड़ाता है। उससे पहले मैं कहूँगा, हम प्रभु ने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी। हमारे पेरेंट्स पेंटिकॉस्टल बैकग्राउंड के, रेगुलरली चर्च जाना। वहाँ पर यह होता था, मंडे को यदि हमारा एग्ज़ाम है, हमारे फादर कहते थे चर्च जाना अवश्य है। बेटा तुम फेल हो जाओ मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में संडे के दिन वर्शिप करना अवश्य है। हमने शुरू से ही ये बातों को सीखा और आज तक उसे फॉलो कर रहे हैं। रूल ये था घर में, पहले दुआ करेंगे, वचन पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, तब नाश्ता करेंगे। कभी हमने जल्दी जल्दी में बाइबल नहीं पढ़ी, दुआ नहीं करी, ये इंडिविजुअल। इवनिंग में फैमिली ऑर्डर होता था, वो अलग थी। तो हमारी मदर हमें नाश्ते पर से उठा देती थी, बेटा पहले जाके बाइबल पढ़ो, दुआ करो, तब आके नाश्ता करना। तो इस बैकग्राउंड में हम पले हुए थे। वही बैकग्राउंड हमारी वाइफ का भी था, उनके पेरेंट भी बहुत गॉड फियरिंग थे और उसी में इन्हें भी बढ़ाया था। शुरू में बताऊं, जब मैं 9 साल का था 1954 में, आप लोग सब जानते हैं, प्रॉफिट इंडिया में आए। मैं उस मीटिंग को मिस कर गया, मैं बहुत रोया। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बॉम्बे जा रहे थे, हमने सुना था भाई ब्रैनम आने वाले हैं, वहाँ पर मीटिंग होने वाली है। मैं बहुत रोया कि मुझे भी लेके चलिए, मुझे भी लेके चलिए। उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम छोटे हो, हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। खैर अब आज मैं सोचता हूँ मेरी मुलाकात खूब भाई ब्रैनम से उस समय हो गई होती है, प्रभु का बहुत धन्यवाद। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बाद में तो अब मुलाकात हो चुकी है, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब मेरी मुलाकात प्रॉफिट से हो चुकी है, उस समय फिजिकल ना हो चुकी, लेकिन अब स्पिरिचुअली फिजिकल से ज़्यादा मुलाकात अब हो गई है। उनके वचन में हम बढ़ रहे हैं, मैसेज में हम बढ़ रहे हैं, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब मैं ग्रेजुएशन हुआ, मैं नेवी में चला गया, और जब शादी की बात आई तो हमारी आंटी जबलपुर में थी, हबाबाग कॉलेज में लेक्चरर थी वो, और वहीं पे भी हमारी वाइफ भी लेक्चरर थी। मैं जबलपुर गया, उन्होंने कहा चलो तुम्हारी शादी के लिए चलो, हमारे कॉलेज में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, हम इंटेलेक्चुअल हैं, पसंद कर लो, शादी कर लो। अरे हमने कहा ठीक है भाई, चलो चलते हैं। हम गए तो हमने पहले ही उसमें हमारी वाइफ को देखा, हमने कहा घर में आके हमने बताया भाई हमें ये पसंद है, ठीक है। लेकिन बात ये हुई, उनके पेरेंट्स ने कहा कि ये नेवी का लड़का है भाई, हम इतने दूर नेवी को नहीं भेजते, नेवी वालों की वाइफ हर पोर्ट में होती है। उस समय ये थिंकिंग होती थी, हम नहीं भेजते करके, वो बात टल गई। लेकिन 2 साल के बाद करीब करीब इनकी मदर और ये मेरे छोटे भाई को कानपुर में एक मैरिज में मिले, वहाँ पर उनकी बातचीत हुई और उसके बाद फिर मैरिज का सिलसिला चालू फिर से हो गया। क्योंकि जहाँ शादी होनी है वहीं होके रहती है, चाहे कुछ भी करे। 2 साल तक मैंने शादी नहीं करी, उन्होंने शादी नहीं करी, लेकिन 2 साल के बाद प्रभु ने हमें फिर से मिला दिया और हमारी 27 दिसंबर 1972 में हमारी शादी हुई। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी वाइफ CNI बैकग्राउंड की थी। लेकिन एक चीज़ और बताऊँ, 1970 में
हमारे फादर को मैसेज तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक खुदा है और बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, इसकी सच्चाई उन्हें पता चल गई थी और उन्होंने मुझे भी लिखा। उन्होंने मुझे सेवन चर्च एजेस की बुक भी भेजी, उस समय सेवन सील नहीं आई थी, साथ सेवन चर्च एजेस की पुस्तक अवेलेबल थी, उन्होंने मुझे भी भेजी, बोले बेटा इसे पढ़ो, बपतिस्मा एक प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, एक ही खुदा है। मैंने लिखा, पापा को लिखा, मैंने कहा पापा मैं तो ट्रिनिटी वाला हूँ, मैं ट्रिनिटी पर ही विश्वास करता हूँ, क्योंकि वो लोग बैप्टिज्म लेने वाले थे 1970 में। मैंने कहा आप लोग बैप्टिज्म ले लीजिए, मैं नहीं लूँगा। खैर उन्होंने बैप्टिज्म ले लिया, उसके बाद हमारी शादी हो गई। उसके बाद वचन में धीरे 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 मैं अपनी वाइफ को जो भी बताता था, एक बहुत बढ़िया बात बताऊँगा, उन्होंने कभी रिफ्यूज़ नहीं किया, कभी वचन को नकारा नहीं, वचन में जो लिखा है उन्होंने उसको विश्वास किया। और विश्वास करता, नेवी में होने की वजह से हम कई कई दिनों तक सेलिंग चले जाते थे, बहुत दूर चले जाते थे, कई कई महीने रहते थे। उसके बाद हमारे दो बेटियां अभी पैदा हुई, नीलू और वैनेसा, और धीरे धीरे हम सच्चाई को समझने लगे थे। हालांकि उस समय हम नहीं ले पाए बपतिस्मा, लेकिन धीरे 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 हमने इस सच्चाई को समझा। हमारे पापा प्रभु में सो गए थे 76 में, लेकिन हमारे भाई वहाँ पास्टर बने, उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें वचन से बताते रहे और हम भी बाइबिल से देख के हम समझ गए सच्चाई यही है। लेकिन मैंने बपतिस्मा नहीं लिया, क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि प्रभु मेरी वाइफ से खुद बोले, मैं इन्हें नहीं बोलूँगा बपतिस्मा लेने के लिए, लेकिन ये जब खुद कहेंगी कि मैं बपतिस्मे के लिए तैयार हूँ तब मैं भी बपतिस्मा लूँगा। और हुआ ऐसे, फिर हम यहाँ दिल्ली आ गए और उसके बाद भाई लाल से हमारी मुलाकात हुई। और उसके बाद एक समय 92 में हम लोग नागपुर में थे, भाई लाल भी नागपुर में आए हुए थे, वहाँ बैठे हुए थे, तब मेरी वाइफ ने कहा हम बपतिस्मा लेंगे, मैंने कहा मैं भी बपतिस्मा लूँगा। भाई लाल हमारे घर आने लगे थे और ये सच्चाई को फिर से बताने लगे थे और हम लोग पूरे कन्विंस थे। तो मेरी दोनों बेटियों ने और मैंने और मेरी वाइफ ने 24 अक्टूबर 1992 में नागपुर में हम लोगों ने बपतिस्मा लिया। भाई लाल वहाँ थे, मिस्टर जोएल डेविड भी उस समय वहाँ पर थे, वहाँ पर लिया। हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद से हमारी नो लुकिंग बैक, हम प्रभु में आगे बढ़ते चले गए, मैसेज में हम आगे बढ़ते चले गए, कभी हमने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। हालांकि मैं नेवी में था, जिस दिन मैंने ये मैसेज एक्सेप्ट किया, मेरे भाइयों बहनों मैं आपको सही कह रहा हूँ, मैंने अपने एडमिरल को जाके कहा, मैंने कहा सर आज से मैं नेवी की कोई पार्टी में नहीं आऊँगा, मैंने कहा आज से मैं कोई पार्टी में नेवी की नहीं आऊँगा, ख़त्म। और वो चुप रहे, कोई मैं बोल नहीं सकता। मैं उसके बाद से कभी नेवी की कोई भी पार्टी में गया ही नहीं, यहाँ तक कि मेरा फेयरवेल हो रहा था, मैंने कहा मुझे फेयरवेल नहीं चाहिए, मैंने वचन को ग्रहण किया, सच्चे वचन को ग्रहण किया, तो मैं जो पियक्कड़ लोग हैं, जो दुनियावी लोग हैं, उनके बीच में मैं क्यों जाऊँ। और मैं बिल्कुल उनसे कट गया, बिल्कुल मसाला अलग हो गया। प्रभु में हम बढ़ते चले गए, प्रभु ने हमें वचन में बनाया, मेरी दोनों बेटियों को बढ़ाया, उनकी शादी हुई और तीन बच्चे भी नीलू के हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उनको बहुत अच्छे हस्बैंड भी प्रभु ने दिए, हमारी पूरी फैमिली प्रभु के साथ साथ लग लिपट कर चलती रही आज तक, प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। पास्टर भाई लाल के लिए हमेशा रेगुलरली हमारे घर आते रहे वो, और बताऊंगा 25वीं जब हमारी सालगिरह थी, मैरिज की सालगिरह, तब भी भाई लाल का घराना हमारे घर में था, भाई मैथ्यू का घराना हमारे घर में था, और भी कोई लोग थे हमारे घर में। 25वीं सिल्वर जुबली में भी भाई लोग हमारे साथ थे और गोल्डन जुबली में भी भाई लोग हमारे साथ हैं आज। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इन 30 सालों के अंदर प्रभु ने मुझे मेरे घर आने को सुरक्षित रखा, अपने वचन में बढ़ाया, प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज अद्भुत रिजी से प्रभु अपने वचन के द्वारा पास्टर भाई से बातचीत कर रहे हैं। हम जानते हैं प्रभु किस रीति से हमें रैप्चर के लिए तैयार कर रहा है, प्रभु का बहुत बहुत नाम मुबारक हो। जब मैं नेवी के अंदर था, एक बार मैं बिल्कुल मौत के करीब आ गया था, लेकिन प्रभु को शायद मुझे रखना था इस पृथ्वी के ऊपर, मेरा काम जो प्रभु ने मुझे जिस सेवा के लिए भेजा था शायद वो पूरी नहीं हुई थी उस समय। तो प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से बताया, मैं बस समुद्र के अंदर जाने ही वाला था, और कैसे अद्भुत रीति से
मैंने शिप को एक बोलाट कहते हैं उसको पकड़ लिया और मेरे पैर में रस्सी फंस गई थी और मैं बिल्कुल पानी के अंदर जा रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे उस दिन बचाया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद था। एक हफ्ते हॉस्पिटल में रहा लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। कई बार हमने जब नेवी में से मौत का सामना किया, मौत हमारे पीछे भी चली आ रही थी, और मुझे याद है मैं घुटने टेक के कैबिन के अंदर प्रभु से दुआ करता था, प्रभु बचाने वाले आप हैं प्रभु जी, आपने समुद्र में जब तूफान आया चेले नाव के ऊपर थे, आप खड़े हुए और आपने तूफान को डांटा और तूफान थम गया, आप वही खुदा हैं प्रभु जी, आप हमारी रक्षा करिए, आप हमारी रखवाली करिए। और प्रभु ने हमेशा हमारी रक्षा करी, हमारी रखवाली करी। मैं बताऊंगा, जब मैं सर्विस के अंदर था मैंने कभी नीचा नहीं देखा, मैं हमेशा ऊंचा था। हालांकि ज़्यादा रैंक नहीं मिली, लेकिन मैं कहूंगा जहां पर भी मैंने जॉब करी, जहां पर भी मेरे अपॉइंटमेंट से, वो हमेशा ऊंचे थे। और जो मैं कह दूं वो पत्थर की लकीर होती थी, उसे एडमिल तक उसे वापस नहीं फेर सकते थे। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु अपने बच्चों के पास जब रहता है उन्हें बुद्धि देता है, उन्हें ज्ञान देता है, उन्हें समझ देता है। ये तो दुनिया भी बात है, लेकिन आज प्रभु अपने वचन से हमें भरता है। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बोल रहा है, हमसे बातचीत कर रहा है, और मैं उसके हाथ को अद्भुत रीति से देख सकता हूँ। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने हमारे बीच में एक पास्टर भाई रखा है। मैं आज धन्यवाद खास करूँगा इस सेवकाई के लिए जो प्रभु ने हमारे बीच में रखी हुई है। ये एक सेवकाई ऐसी है, मैं कहूँ बहुत सारे लोग इस सेवकाई को, मैं कहूँगा आप देखना चाहते थे लेकिन वो देख नहीं सके, उनके बस की नहीं थी। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, हमारे ऊपर प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि हुई, उसके कृपा की दृष्टि हुई कि उसने हमें इस ऐसी सेवकाई के अंदर रखा है। हमारे पास्टर भाई के लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज यदि पास्टर भाई हमारे पास्टर नहीं होते, मैं कहता हूँ मैं यदि इनके अंडर ना होता तो मैं आज जिस पोजीशन में हूँ, जो विश्वास आज हमारा है, जो रैप्चरिंग फेथ प्रभु हमें दे रहा है और जो वचन प्रभु हमारे ऊपर खोल के रख रहा है, आज हमें इतनी बातें समझ में नहीं आती। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रभु का बहुत आज से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की कृपा हमारे घराने के ऊपर बनी रही, और मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है सदैव हमारे ऊपर प्रभु की इस ये कृपा बनी रहे, और प्रभु हम में से हर एक को रैप्चर में जाने का फजल दे। जितने भाई बहन यहाँ पे आए हैं मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने हमारे रिक्वेस्ट को ग्रहण किया और यहाँ पर आकर के आए, यहाँ पर आए। गॉड ब्लेस एवरीबडी, एंड स्पेशली मैं कहूँगा हमारे पास्टर भाई को, सिस्टर को और बच्चों को, घराने को प्रभु बड़ी बरकत दे। गिव देम ए बिग हैंड, प्रभु बड़ी बरकत दे। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ये कहने के लिए कि मैं एक बार एक और बात बता दूंगा। जो मेरे ग्रैंडफादर और मेरी आंटी भाई ब्रैनम की मीटिंग में गए थे, उन्होंने उस समय वचन को ग्रहण नहीं किया, लेकिन जब मेरे ग्रैंडफादर 86 इयर्स के हुए तब खुदा ने स्वयं उनके पास आके बातचीत करी और बोली, उन्हें बताया, उन्हें बोला कि ये बपतिस्मा बिल्कुल सही है। और 86 इयर्स की एज में तब मेरे ग्रैंडफादर ने भी बपतिस्मा लिया, उसके एक साल के बाद वो भी प्रभु में सो गए। मेरी बड़ी आंटी ने भी बपतिस्मा लिया, वो भी प्रभु में सो गई। दूसरी आंटी जो भाई ब्रैनम के वहाँ गई थी, उन्होंने मैसेज को ग्रहण नहीं किया था, लेकिन आगे चल के प्रभु में सोने से पहले उन्होंने भी बपतिस्मा लिया था। तो मैं कहता हूँ प्रॉफिट की मिनिस्ट्री ख़त्म नहीं होती, प्रॉफिट की मिनिस्ट्री लगातार चलती रहती है, और चाहे उस समय लोग ना माने लेकिन आगे चल के मानते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हमारे प्रॉफिट के लिए, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो गॉड ब्लेस एवरीबडी, गॉड ब्लेस। खुदावंद भाई को बड़ी बरकत दे। लेट अस गिव हिम अनदर हैंड्स क्लैप ऑफ, और खुदावंद को महिमा मिले, सारी तारीफ और आदर मिले। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारी बीच में बहन सिस्टर एरिन ने एक बहुत ही प्यारी पोयम भाई को समर्पित की है, और मैं चाहूंगा कि मैं उसको पढ़ दूं। बहन ने चाहा कि मैं उसको पढ़ूं, और उन्होंने भाई को संज्ञा दी है एक सोसन के साथ, लिली के साथ। मीट मिस्टर लिली,
Brother Lily grows in simplicity. He is mild and tender. In the battle, a focused contender. Reaches the sun and displays his splendor. Not his self-righteousness, but to God's he will surrender. Analyze and see how he is molded. At every stage, the life story gets unfolded. He grows in the water and mud, yet he stands strong like a wonderful enfolded. The inner strength he draws from the sun is the secret decoded. In storm composed, stability imposed. At every turn, his stand is firm. Without any noise, the harder way is his choice. And it's a knowing that narrow path will lead you to the land sublime. He's quietly walking on the bloody footsteps on the sands of time. Easy rosy bed of rose is not your desire. He is sincerely following the man with the pillar of fire. Brother Lily is convinced Christ's face is clearly seen in the supernatural crowd. They scoffed us and fooled us and called us fools. The falling away was to come first. He knows this is the time for the last pull. This is to the critics who are trying to find the flaw. Can't you see he's just abiding in God's law? In detail, as explained by Brother Billy, can be seen in the life of Mr. Lily. And still, if you cannot see, then your thoughts are fractured, because that's the man going in the rapture. Brother Lily is following the stars, time and the seasons. With the word of God, has he never reasons to escape from the wind of doctrines and corrupt teachers. He is completely relying on the God sent prophet messenger. He is busy preparing for the promised wedding feast, ignoring all the critics. He is the wise man from the east. He has seen the super sign declared in the stars and putting on the whole armor of God for the oncoming war. He knows this is the third generation and the redemption is not far. Predestinated to quench the wicked fiery darts. I clearly see you, your stand. You are the part of the fivefold. You are blessed with a beautiful wife, a Sunday school teacher with a nature like gold. During all the struggles and temptations, in the word your anchor holds. The Holy Ghost fire is still burning in your heart. He has never grown cold. Like a lamb submissive to the word of God, he has found the key. He has the wonderful couple completed the 50th, the Jubilee. I dedicate this song to the mystical body ordained for the mystical land. She has received authority from his right hand in the Revelation 10. To every word spoken by Brother Branham, I say yeah, amen, and selah. These are the thoughts coming straight to you from the cave of Machpelah. You are the chosen of the Lord in these last days. He is wishing you a very happy anniversary on this blessed day. God bless you, my brother. And God bless you, Sister Erin, for this wonderful poem, a dedication. And just before we go into the message, I would like to sing one chorus. Let us adore the ever-living God and render praise unto Him who spread out the heavens and established the earth. Whose glory is revealed in the heavens above, and whose greatness is manifest throughout all the earth. He is our God.
the ever-living God, and render praise unto Him who spread out the heavens and established the earth, and whose glory is revealed in the heavens above, and whose greatness is manifest throughout all the earth. He is my God. Exalted, you are exalted above all the earth. Oh, your glory, oh, your loveliness. Father, we do worship you, my God. You are my God. Power to you, Lord. We worship you, Holy Lord. You're the fountain of all holiness. We give you thanks and praises, Lord. Let's all stand while we sing that chorus. Only believe all things are possible just before we enter the Word. Only believe. Only believe, and all things are possible. Only believe, my Lord, I my Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. You all believe. My Jesus is here. Aziz, Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, Jesus, you are here, Lord. And all things are possible. My Jesus is here. Leviticus 25. Levirta 25 adhyay. A well-known scripture. Ek jana mana vachan ka hissa. Verse 8 to verse 10. 8vi ayat se 10vi ayat tak. And thou shalt number 7 sabbaths of years unto thee,
seven times 7 years, and the space of the seven Sabbaths of years shall be unto thee 49 years. Then shalt thou cause the trumpet of the Jubilee to sound on the 10th day of the 7th month. Amen. In the day of atonement shall he make the trumpet sound throughout all your land, and he shall hallow the 50th year and proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof. Shall be a jubilee unto you. Amen. And he shall return every man unto his possession, and he shall return every man unto his family. Sat Vishram Varsh Arthat Sat Guna Sat Varsh Ginlena Sato Vishram Varshonka Yesame Unanchas Varshoga Tab Satwe Mahine Ke Dasme Dinko Arthat Prashit Ke Din Jajekar Ke Mahashabwala Mahashabka Narsinga Or Sare Deshme सब कहीं फुकवाना और उस 50वें वर्ष को पवित्र मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना. वो वर्ष तुम्हारे यहां जुबली कहलाए, उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे. थैंक यू लॉर्ड फॉर द वर्ड. प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके कलाम के लिए. फॉर दिस ब्लेसेड ओकेजन, इस मुबारक समय के लिए, ओकेजन के लिए. When our precious brother Osmond Titus and sister Violet Titus have completed their 50 years in their married life, jabki hamare aziz bhai Osmond Titus aur sister Violet Titus ne apne vivahit jeevan mein 50 varsh pure kar liye, bringing forth wonderful children aur bahut hi badhiya bachchon ko khuda unhone paida kiya, and now we thank you for their testimony aur prabhu hum aapka dhanyawad karte hain unki gawahi ke liye. And the works which you have done in their lives. और उन कामों को जो आपने उनके जीवन में किए. And while we are celebrating with them this day. और जबकि उनके साथ हम इस दिन में खुशी मना रहे हैं. You give us your message. आप हमें अपना संदेश प्रदान करें. To bless this occasion. ताकि इस समय को, इस occasion को आप मुबारक करें. Under your blood we come, Lord Jesus. आपके लहू की मातहती में हम आते हैं प्रभु यीशु मसीह. In the name of Jesus Christ, the Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं. Amen. Amen. You can be seated. आप लोग बैठ सकते हैं. We really thank God for this time. हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए. That He's given us that we can come here in this day when we're celebrating this event. और खुदा ने हमें मौका दिया कि हम इस दिन में यहाँ पर आ सकें, जब जिस दिन में हम इस उत्सव को मना रहे हैं. Brother Osmond Titus. By Osmond Titus and our precious sister Violet Titus. और हमारी अजीज बहन sister Violet Titus. God bless both of them. खुदा उन दोनों को बहुत आयत से बरकत दें. And we thank God for this couple in amongst us. और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं इस जोड़े के लिए जो हमारे बीच में है. I was reading a message. I think I was hearing. मैं एक संदेश सुन रहा था. And Brother Branham is referring to brother and sister Kid. और भाई ब्रैनम संकेत दे रहे हैं और इशारा कर रहे हैं भाई और बहन किड की ओर. And he said, "Now they are almost 100." और ने कहा कि वे लगभग अब 100 वर्ष के हो गए हैं. And here they are with the word of God. और यहाँ पर हैं वो खुदा के कलाम के साथ. And burning the mountains with the tapes. और टेप्स को ले जा रहे हैं और पहाड़ों में आग लगा रहे हैं. Spreading this gospel as much as they can. और जितना वो कर सकते हैं भरसक इस सुसमाचार को फैला रहे हैं. And he said, "When I think that I'm getting old." और अभी ने कहा जब मैं सोचता हूँ कि मैं बुजुर्ग हो रहा हूँ. But when I see such gallant souls. लेकिन उन्होंने कहा जब मैं ऐसे Gallant souls को देखता हूं, then I forget that I am getting old. तो मैं इस बात को भूल जाता हूं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं. It looks that I have just begun. मुझे लगता है जैसे मैंने अभी शुरुआत ही की है. But I really thank God. लेकिन मैं वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करता हूं. For our precious brother Titus. अपने बहुमूल्य भाई precious भाई Titus के लिए. And his whole family. और उनका पूरा परिवार के लिए. God bless sister Vanessa and sister Nilofa. खुदावंत बड़ी बरकत दें sister Vanessa को और बहन Nilofar को. And their husbands. और उनके पतियों को ब्रदर रॉबर्ट एंड ब्रदर राजेंद्र. भाई रॉबर्ट को और भाई राजेंद्र को. एंड वी थैंक गॉड फॉर दिस फैमिली अमंगस्ट अस. और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ इस परिवार के लिए हमारे बीच में. एंड दिस एल्डर इन दिस चर्च. और इस प्राचीन के लिए हमारे एक चर्च में. हुम गॉड हैज यूज्ड इन मेनी फोल्ड वेज. जिसको खुदा ने भाई बहुत ही ज्यादा रूप से इस्तेमाल किया है. आई पर्सनली हैव हर्ड अबाउट ब्रदर्स टेस्टिमनी. और मैंने व्यक्तिगत तौर से भाई की गवाही को सुना है. दैट ही हैज प्रोफेसाइड वंस. आई थिंक ही स्पोक इन टंग्स. और मैं सोचता हूँ कि शायद उन्होंने एक बार भविष्यवाणी करी, उन्होंने गैर जुबान बोली. That's right, because he was in that age. क्योंकि वो उस युग में थे.
But I thank God that he came out of that age. लेकिन हम खुदा का धन्यवाद करते हैं वो उस युग से बाहर निकल के आए हैं. And though he, as he testified, he physically didn't meet Brother Branham. और जैसे उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने भौतिक रूप से भाई ब्रैनम से मुलाकात नहीं करी. But today he stands for this message. लेकिन आज वो इस संदेश के लिए खड़े हुए हैं. I met our precious brother's mother. मैंने अपने अजीज भाई की माँ से मुलाकात की है. And she would be like my grandmother. और वो भी मेरी दादी समान होंगी. And my grandmother, my father's mother, and his mother, they just look the same. और मेरी दादी, मेरे पिता की जो माँ है और भाई की जो मदर है वो दोनों बिल्कुल एक समान दिखती थी. Exactly, they just look the same. बिल्कुल एक समान दिखती थी. And yes, and I played checkers with her. और हाँ, मैंने उनके साथ चाइनीज चेकर्स खेले हैं. एंड शी वॉज वंडरफुल इन दैट. और उस खेल में वो चेस आल्सो. और वो चेस में भी बहुत ज्यादा बढ़िया थी. शी हैड अ वेरी शार्प माइंड. यस, उनका बहुत ही चोखा विचार था और दिमाग था. सो आई थिंक दैट आल्सो वेंट इन द चिल्ड्रन. तो ये चीज बच्चों में भी पहुंची है. एंड आई रियली थैंक गॉड. आई थैंक गॉड फॉर ब्रदर एडी नाउ हु इज विद द लॉर्ड, बट हिज फैमिली ब्रदर दीपक एंड दे आर लुकिंग आफ्टर द गॉस्पेल इन नागपुर. यस, और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ भाई एडी टाइटस के लिए भी, जो कि अब प्रभु के पास है. लेकिन हम उनका जो परिवार है, भाई दीपक टाइटस और उनका जो परिवार है, वो देख रेख कर रहे हैं उस कलीसिया के जो नागपुर में है. सो ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड. सो खुदा का नाम जलाल पाए. फॉर सच अ प्रेशियस एंड अ गैलेंट सोल. ऐसे बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही योद्धा वाले भाई के लिए. Who has been working tirelessly in this message? जो बिना थके हुए संदेश में काम करते रहे हैं. Yes, there have been ups and downs. बेशक उतार चढ़ाव आए हैं. And times have gone. I'll say to my precious brother that I mean it looks like yesterday. और जबकि मैं अपने भाई से कहना चाहूंगा, जबकि समय तो बहुत बीत चुका है, लेकिन मुझे मैं भाई से कहना चाहूंगा, लगता है जैसे कल की बात हो. First time I met Sister Lona, she was very young. Yes, at that time. पहली बार. But I mean Sister Lona has not changed much. और पहली बार जब मेरी मुलाकात बहन लोना से हुई थी, वो बहुत ही जवान थी. और मैं कहना चाहूंगा बहन लोना ज्यादा बदली नहीं है. We had started a English meeting in our home in Horsecars and Brother Matthew was there playing that harmonium. Yes. No, it was in Horsecars. Okay, but she came in Horsecars. मम्मी जो थी वो तो Horsecars में आई थी. I still remember that. मुझे अभी तक याद है. And she came and she just sat in the meeting. और वो आकर के मीटिंग में बैठती थी. She is a fruit of the testimony which my mother gave to her. और वो फल स्वरूप उस गवाही के हैं जो मेरी माँ ने उनके साथ शेयर किया. राजू एंड रेनू वर स्मॉल चिल्ड्रन एट दैट टाइम. राजू और रेनू उस समय बहुत छोटे बच्चे थे. एंड दे वर इन द स्पिरिट ऑफ रॉक एंड रोल एट दैट टाइम. और उस समय वो रॉक एंड रोल की आत्मा में थे. But God gave me grace that with my mother I went to their house. लेकिन खुदावंद ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं अपनी माँ के साथ उनके घर में जाऊँ. And give a short witness there. और एक छोटी गवाही वहाँ दे सकूँ. And slowly God worked in that family. और धीमे-धीमे खुदा ने उस परिवार में काम करना शुरू किया. You see, it's not man who pulls, it's God who pulls. देखिए, ये आदमी नहीं होता जो खींचता, ये खुदा है जो खींचते हैं. And so they came out. So, इसलिए वो बाहर निकल के आए. Yes, and they are still strong in the message. और वो अभी भी बहुत ज़्यादा strong है संदेश में. Brother Bhagat Chand was my like my friend, a right hand man who used to be going with me in all the trips. और भाई Bhagat Chand मेरे बिल्कुल एक जोड़ीदार थे, जो कि मेरे साथ जहाँ जहाँ मैं जाता था वो जाया करते थे. Yeah, and we were very close. और हम बहुत ज़्यादा करीब थे. And then now that place is taken by his son, Brother Rajiv. और अब वो जगह उनके बेटे के द्वारा ली गई है, भाई राजीव के द्वारा. सो गॉड रियली ब्लेस हिम. सो खुदा उनको बड़ी बरकत दे. यस, एंड देन आई रिमेंबर दैट व्हेन आई मेट माय प्रेशियस ब्रदर. और तब मुझे याद आता जब मेरी मुलाकात मेरे बहुमूल्य भाई से हुई. हाउ एज एज गोज ऑन, कैसे जब उम्र बढ़ती है, हाउ फेस चेंजेस एंड लुक्स चेंज, कैसे जो चेहरा है वो बदल जाता है, कैसे लुक्स बदल जाती है. बट ऑफ कोर्स नॉट मच. लेकिन ज्यादा अधिक नहीं. इवन आवर सिस्टर वायला, शी हैजंट, ऑफ कोर्स एज एज गोज ऑन यू चेंज अ लिटिल बिट, बट नॉट दैट मच. और यहां तक मैं कहूंगा अपनी अजीज बहन वायला के लिए भी, हां जब उम्र बढ़ती है तो चेहरे पे दिखती है, लेकिन बहुत ज्यादा अधिक चेंज नहीं आया. बट शी स्टिल गोइंग स्ट्रांग. यस, और आज भी वो स्ट्रांग बनी हुई है. कैंसर कुडंट बीट हर, शी बीट कैंसर. कैंसर उनको गिरा नहीं पाया, उन्होंने कैंसर को गिरा दिया. God gave her grace. खुदा ने उन्हें अनुग्रह प्रदान किया. We really thank God for that. हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं इसके लिए. For sparing a life of our precious soul who is being used in a great way in the Sunday school, even this church.
कि खुदावन ने बख्शा इस बहुमूल्य रूह को ताकि वो आज इस्तेमाल हो सके संडे स्कूल की सेवकाई के लिए. द रीजन ब्रदर टाइटस वॉज इंक्लूडेड अमंग्स द एल्डर्स, समथिंग वेरी स्ट्रेंज हैपेंड वंस व्हेन ऑन 31st नाइट देयर वॉज नो वाइन बट ब्रदर कैरीड अ बॉटल विद हिम एंड इन दैट एमरजेंसी इट वॉज यूज्ड. और जिस कारण से भाई टाइटस को एल्डर्स में शामिल किया गया, मैं आपको बताना चाहता हूं एक वृतांत के बारे में. जब हमारे बीच में एक दिन 31 तारीख की सभा हो रही थी और उस समय वाइन खत्म हो गया था, लेकिन बड़े ही सुपरनेचुरल तरीके से भाई ने अपने साथ उस वाइन को रख करके लेके आए थे भवन में. सो ही हैड एन एक्स्ट्रा बॉटल, ही सेड आई डिडंट नो बट आई कैरीड इट. मुझे मालूम ही था लेकिन भाई उसको रख के लेके आए थे. एंड इट वॉज यूज्ड दैट डे, और उस दिन वो इस्तेमाल हुई. एंड सो दीज थिंग्स हैपेंड, और इसलिए ये बातें हुई. And so it was when the church got separated in 2000, not just separated, some people left in 2004. And जब ऐसा हुआ कि 2004 में कुछ लोग छोड़के चले गए, they were alleging my father that you are keeping your close accomplices around you as elders. और उन्होंने कहा कि आप अपने करीबी भाई पास्टर लाल पे तोहमत लगा कहने लगे, आपने अपने करीबी लोगों को अपने साथ एक ग्रुप में बना के रखा हुआ है, झुंड में बना के रखा हुआ है. Well, I was hearing Brother Biskel saying that's what they thought. In the time of Jesus, there's something between John and Jesus. You know, they are relatives. और यही चीज भाई बिस्कल ने बताया कि यीशु मसीह के जमाने में लोग बोला करते थे कि हाँ, यीशु मसीह और यूहन्ना तो वो रिश्तेदार थे आपस में, इसलिए उनको लेकर के उन्होंने बातें बनाना शुरू कर दी. One becomes Christ, one becomes Elijah, you know. A family affair. एक बन जाता है मसी, एक बन जाता है एलिया. ओह, ये तो पारिवारिक मामला है. Then in the time of Moses, फिर मूसा के ज़माने में, Aaron becomes the high priest, Moses becomes the prophet. It's a family matter. हारून महायाजक बन जाता है और मूसा नबी बन जाता है. ये तो एक पारिवारिक मामला है. But yes, God chooses families. Yes. लेकिन हाँ, बेशक खुदा उन परिवारों को चुनते हैं. And God has been using them and day in and day out. Yes. और खुदावन उनको रोज हमेशा ऐसे इस्तेमाल करते रहे हैं. And I really thank God for this wonderful soul amongst us. और मैं खुदा का वास्तविक धन्यवाद करता हूँ इस अद्भुत रूह के लिए हमारे बीच में. Who has been growing stronger in the Word every day. जो कि वचन में रोजाना बहुत ही ज़्यादा मजबूती से बढ़ते जा रहे हैं. You all are witnesses of the Word He preaches. आप लोग सब गवाह हैं उस कलाम के लिए जो वो प्रचार करते हैं. Even I tell my children. यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों से कहता हूँ. That when a brother preaches, कि जब एक भाई प्रचार करते हैं, there's a way he picks up the message and he goes rapidly through that. किस तरीके से भाई एक संदेश को उठाते हैं और बड़ी तेज गति से उसमें आगे बढ़ते हैं. I said to really benefit from Brother Titus's preaching, you need to have a paper with you and note down the points he's picking up in the message because it's nothing but a pure revision of a message. Which you get on Sunday mornings. और मैंने अपने बच्चों से ये कहा जब भाई टाइटस प्रचार करते हैं, जब वो बड़ी तेज गति से एक संदेश नबी का उठाते हैं और उसको प्रचार करते हैं, तो जरूरी उस समय ये है कि आप एक कागज और कलम उठाएं, क्योंकि ये वो समय है जबकि भाई टाइटस जो है उस संदेश को जो नबी का उठाया है उसका एक रिविजन करते हैं. और अच्छा होगा कि आप हर एक पॉइंट को जो भाई बोलते जा रहे हैं उसको लिखते चले जाएं. That's right. It's a way of studying the message. Yes. ये एक तरीका है वचन का अध्ययन करने का. So I really thank God for the gift which God has given to our precious brother. So मैं खुदा का वास्तविकता में धन्यवाद करता हूँ उस वरदान के लिए जो कि खुदावंद ने हमारे अजीज भाई टाइटस को दिया है. God shapes a minister in a certain way. और खुदावंद आकारित करता है एक सेवकाई को एक खास रूप में. And God uses it in that sense. और उस मायने में उनको इस्तेमाल करते हैं. So we really thank God for our precious brother Titus. So हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं अपने बहुमूल्य भाई टाइटस के लिए. And for our precious sister Violet Titus. और अपनी बहुमूल्य बहन श्रीमती वायला टाइटस के लिए. God bless you, our sister. बहन, खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे. Yes, we are very pleased to have such a wonderful family amongst us. और हम खुदा का वास्तविकता में धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत परिवार के लिए हमारे बीच में. And we really are happy to celebrate this event. बहुत ही ज्यादा खुश हैं इस समारोह को मनाने के लिए. Really, we are happy for this anniversary. हम इस एनिवर्सरी के लिए वर्षगांठ के लिए बड़े शुक्रगुजार हैं. Well, as we've been seeing this year that these things which have been coming to us like engagements and marriages and anniversaries are no more events. I mean, festivities, but they have been sources of messages for us. और हमने देखा है इस साल में कि ये जो हमारे बीच में शादियां आई हैं, सगाइयां हुई हैं, वर्षगांठें हुई हैं, ये केवल एक इवेंट ही नहीं है, लेकिन ये इसमें आए हुए जो मैसेज हैं, ये वास्तविक रूप में घटनाएं हैं. And we have seen those things happening amongst us. और हमने उन चीजों को अपने बीच में घटता हुआ देखा है. So we really thank God for such a thing. और खुदा का वास्तविकता में धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए. I think it's this year.
मैं सोचता हूं यही साल था. Because you see, so many programs I keep on forgetting when we celebrated Brother Dinesh's birthday in Ghaziabad. Is that right? यही था वो साल जिसमें कि हमने भाई दिनेश का बर्थडे बनाया था गाजियाबाद में. 50 years. 50 साल. And he put that 50 there in that church. और उन्होंने 50 लिखा था वहाँ पे चर्च में. Brother Prince is there and Brother Satpal, yes. Those people from Ghaziabad, yes. गाजियाबाद के भाई लोग हैं वहाँ. Celebrating that number 50. हमने उस 50 के अंक को मनाया था. That's what we are doing at the close of the year. और यही चीज हम कर रहे हैं इस वर्ष के समापन पे. Just think how this year is closing for us. देखिए कैसे ये साल हमारे लिए समाप्त हो रहा है. We are celebrating our 50th year. हम एक 50वें वर्षगांठ को मना रहे हैं. That's how we are entering a new year. इस प्रकार से हम एक नए साल में प्रवेश कर रहे हैं. To tell us. ताकि हमें बताए. And remind us. और हमें याद दिलाए. That there is a jubilee coming. कि एक जुबली आ रही है. Where those who are here are returning back home. कि जो यहाँ पर हैं वो वापस अपने घर वापस पहुँच जाएं. And we really ate the cake for that. और उन्होंने वास्तविकता में इसका केक खाया. My, what a cake today! Did you like it? क्या आपको केक पसंद आया आज? बहुत ही बढ़िया केक था. I'll give my own personal testimony. I liked it so much. I had 3 pieces. मैं अपनी व्यक्तिगत गवाही देना चाहूँगा. मैंने इतना अच्छा लगा कि मैंने इसके दो टुकड़े दो पीस खा लिए. You're always one less, brother. I said three. तीन टुकड़े खा लिए. That's right. God bless you, brother. Wonderful, wonderful. बहुत ही अद्भुत, बहुत ही. And the coffee was so nice. और कॉफी बहुत ही बढ़िया थी. Love such things, नहीं? हम ऐसी चीजें बड़ा पसंद करते हैं. Yeah, cold weather means a factory should keep on going. Cold. सर्दी का मतलब ये है कि फैक्ट्री चलती रहे. Yeah, every now and then you keep munching something. Yeah, it helps you. और बढ़िया होता है जब आप अक्सर कुछ ना कुछ खाते चबाते रहते हैं. That keeps you warm. That keeps you going. और ये आपको गर्म बनाए रखता है और चलाता रहता है. That's right. That's right. ये बात सही है. And the food was wonderful. God bless Brother Thompson, Brother Gupta, and those who have made this arrangement. Wonderful. और भोजन बहुत बढ़िया था. मैं कहूँगा खुदा उन बड़ी बरकत दे भाई थॉमसन को, भाई गुप्ता को, और वे तमाम भाई लोग जो इस में जिन्होंने अपने हाथ को लगाया. All those brother, even if I'm not able to name you, forgive me for that. But God knows it. God really bless you. और अगर मैं किसी का नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ और खुदावन आपको फिर भी बड़ी बरकत दे. That's right. बात सही है. Very nice arrangement and food and everything. बहुत ही बढ़िया arrangement, बहुत ही बढ़िया भोजन और तमाम चीजें. In fact, today I'm getting confidence for 31st. आज वास्तविकता में मैं कहूंगा कि मुझे हियाव मिल रहा है 31 तारीख के लिए. I think we'll be able to make it. हाँ, हम बेशक उसको कर पाएंगे. But the crowd we had last year, That 31st, I still remember. लेकिन जो भीड़ पिछले साल आई थी मेरे को अभी तक याद है. But I know we'll be able to make it. लेकिन मैं जानता हूँ कि हम उसको पूरा कर पाएंगे. By the grace of God, it'll be. खुदावंद के अनुग्रह से हम कर पाएंगे. Yes, and we are entering a new year. और बेशक हम एक नए साल में पदार्पण कर रहे हैं. With a message of jubilee. एक जुबली के संदेश के साथ. That's right. बात सही है. Tomorrow is Thursday. कल बृहस्पतिवार है. Then 31st is Saturday. और फिर 31 तारीख जो है वो सैटरडे की है. This is the last one big message before 31st. ये एक अंतिम बड़ा संदेश है 31 तारीख से पहले. You heard what we preached yesterday? आपको याद है आपने कल क्या प्रचार किया था? And following that, we are seeing what we are seeing today. और उसके बाद हम देख रहे हैं वो चीज जो हम आज देख रहे हैं. And we are going to go into 31st. और हम 31 तारीख में फिर पदार्पण करेंगे. So God really bless everyone who's come here. So खुदा हर एक को जो यहाँ पर आए बड़ी बरकत दे. And brother Uday and sister Rupa, who's from Finland, they have been able to come here at this time of the year. God bless you, little family and the children. I mean, out of that cold snows of Finland, they're in some warm weather. और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि भाई उदय और सिस्टर रूपा अपने बच्चों के साथ इस समय यहाँ मौजूद हैं इस हमारे साथ इस समारोह को मनाने के लिए और 31 तारीख में यहाँ पे आने के लिए. खुदा बड़ी बरकत दे उन्हें कि वो उस सर्द फिनलैंड से जहां बर्फबारी हो रही है वहां से यहां पर इस गर्मी वाले देश में आ सके. आई बिलीव ब्रदर जोसेफ मैसी मस्ट बी ऑल्सो हियरिंग दिस मैसेज. और मैं सोचता हूं कि भाई जोसेफ मैसी भी इस संदेश को सुन रहे होंगे. दे स्टे इन जर्मनी बट देयर हार्ट इज हियर. वो रहते तो जर्मनी में लेकिन दिल उनका यहीं लगा रहता है. दैट्स राइट. ये बात सही है. यू सी हाउ कैन यू लीव योर सोर्स ऑफ रिवाइवल. आप देखिए अपने बेदारी के स्रोत को आप कैसे छोड़ सकते हैं. यू कैन नॉट. आप नहीं छोड़ सकते. एंड दिस इज द टाइम वी आर रिटर्निंग टू बेथलहम. और ये वो समय जब हम वापस लौट के आ रहे हैं बेथलहम में. टू आवर ओन एक्सपीरियंसेस अगेन. अपने वापस तजुर्बों में. एवरीवन हैज एन एक्सपीरियंस. हर एक शख्स का अपना तजुर्बा है.
Everyone has a dealing. हर एक के पास एक अपनी डीलिंग बातचीत है. Everyone can brag on Jesus. हर एक कोई जो है वो दावा भर सकता है, प्रभु यीशु मसीह पे घमंड कर सकता है. Tonight and say, if it wasn't for him, we wouldn't be here. और वो कह सकता है आज रात्रि कि अगर ये ना होते तो हम हमारे लिए संभव नहीं होता. And I really thank God for this night. और मैं वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करता हूँ इस रात के लिए. For this opportunity he gave me to minister this gospel to the precious bride of Christ. और खुदावंद ने मुझे ये बहुत बड़ा सौभाग्य दिया कि खुदावंद की बहुमूल्य दुल्हन को के लिए सेवकाई कर सकूं इस सुसमाचार की. These balloons that are here, ये बलून जो यहाँ पर हैं, and all the celebration is for the number 50. और ये तमाम जो सेलिब्रेशन हो रही है ये है उस 50 के अंक के लिए. So we are remembering that number 50 tonight. हम उस 50 के अंक को आज रात्रि याद कर रहे हैं. Which tells us, जो हमें बताती है, we are returning back. कि हम वापस लौट रहे हैं. Back to our homes. वापस अपने घरों में. The future home. भविष्य के घर में. Blessed be the name of the Lord. खुदा का नाम मुबारक हो. So now I'm going to speak a little bit about this marriage and brother and sister as a sign for us. और हम बातचीत करेंगे शादी के विषय में और भाई और बहन को लेकर के जो कि एक चिन्ह के बतौर हैं. And I'll come to the scriptures as well. और हम मैं वचन में भी आऊंगा वापस. And I'll show you certain things if I can. और अगर कुछ दिखा पाए तो मैं आपको कुछ खास बातें दिखाऊंगा. His name is actually Osmond. भाई का वास्तविक नाम है Osmond. And I was seeking for the name Osmond. और मैं खोज रहा था इस Osmond शब्द का मतलब. And Osmond means divine protector. और Osmond का मतलब है दैवीय सुरक्षा करने वाला. And we know there's no one who else can be a divine protector but God. और हम जानते हैं कोई और दैवीय सुरक्षा देने वाला हो नहीं सकता खुदा स्वयं को छोड़. And then I was seeing Sister Viola. I know Viola is actually a flower. और मैं भली बात ही जानता हूँ Viola शब्द का मतलब होता है फूल. But I want to show you something else. लेकिन आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ. It's a little scientific knowledge we have. ये एक बहुत एक वैज्ञानिक ज्ञान है जो हमारे पास है. Even the 12th standard biology textbook has that in the first or second chapter, yes. और मैं सोचता हूँ कि biology में 11th, 12th के जो की biology है उसमें पहले अध्याय में ये है शब्द. Second chapter, yes. दूसरे अध्याय में. Reproduction in flowering plants. I think that's the chapter, yes. प्रजनन फूल वाले पौधों में. And you know, Viola is a very special flower. और आप जानते हैं Viola एक बहुत ही खास फूल होता है. Viola is known to produce a type of flower called Cleistogamus. और Viola जो है जो पौधा है उसमें से एक खास किस्म का फूल निकलता है जिसे कहते हैं Cleistogamus. Cleistogamus. And what do you mean by Cleistogamus? और Cleistogamus का मतलब क्या है? The petals don't open. उसकी जो पत्तियां हैं फूल की वो खुलती नहीं. They don't open at all. वो बिल्कुल भी नहीं खुलती. And this is a mechanism that the stamen, the male part, and the anther, the male part, and the pistil, the female part, would receive the male seed of the same flower. इस फूल में ऐसा होता है कि जो नर वाला हिस्सा होता है और जो मादा वाला हिस्सा होता है फूल के जो पत्तियां वो खुली नहीं उसी के अंदर होती हैं और उसमें द मेल पार्ट. आई जस्ट सेड द फ्लावर डजंट ओपन. फूल खुलता नहीं है. बिकॉज ऑफ विच जिसके कारण से द मेल पार्ट जो नर वाला हिस्सा है विच थ्रोज द पोलन जो कि इस पोलन को फेंकता है. इट फॉल्स ऑन द फीमेल पार्ट इन द सेम फ्लावर उसी फूल के अंदर वो नारी वाले हिस्से में गिरता है. एंड नो अदर प्लांट्स पोलन कैन कम ऑन दैट. और किसी और फूल का किसी और वृक्ष का प्रयाग इस पे नहीं आ सकता. इट्स अ मेथड टू प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन. और ये एक तरीका है जिससे क्रॉस पॉलिनेशन को रोका जा सके. इन अदर वर्ड्स Cleistogamus प्रिवेंट्स हाइब्रिडाइजेशन. दूसरे शब्दों में Cleistogamus से क्या होता है संकरण करना रुकता है. एंड इट्स अ नेचुरल मैकेनिज्म व्हिच इज मेड इन द स्पेशल फ्लावर called the genus of Viola that prevents hybridization. और ये खास रीति से इस पौधे के जाति में होता है जिसको Viola कहते हैं कि ये hybridization इसमें नहीं हो सकता. That's right. There is hybridization, but it produces certain flowers which do not have hybridization at all. वो कुछ ऐसे खास फूलों को लेके आता है जिसमें ये संकरण नहीं हो सकता. And so you find. So आप पाते हैं. That it is a very good type of the bride of Christ. ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन की. Who will not take any strange man-made seed. जो कोई भी मनुष्य के द्वारा बनाए हुए अकीदे को नहीं लेगी. But she takes only the seed of God. लेकिन वो केवल खुदा के बीज को ग्रहण करती है. Which is the word of God. जो खुदा का कलाम है. So she is a perfect type of the bride of Christ.
So, वो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन की. And so sister Viola is a type of the bride. So बहन वायला जो है वो तस्वीर है दुल्हन की. And Osman is a type of Christ. और ऑस्मन जो है वो मसीह की तस्वीर है. The divine protector of that flower. वो देव सुरक्षा करने वाले उस फूल के. Which is his bride. जो कि उसकी दुल्हन है. And I want to show you something. और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. That marriage took place in 1963. ये शादी 1963 में हुई. And it's still going on. और ये आज भी चल रही है. But when you took 7 sabbaths from that. लेकिन जब आप 7 सबत माह से गिने. And when you came to the 49th year. और जब आप 49वें वर्ष में आते हैं. And you struck 2012. और आप 2012 में पहुंचते हैं. There was a priest somewhere. एक याजक था कहीं पर. Who went to announce. जो गया घोषणा करने के लिए. That this bride will not die. ये दुल्हन नहीं मरेगी. This time she's going back in the rapture. इस बार वो वापस जा रही है रैप्चर में. Exactly after 49 years. सटीकता पूर्ण 49 वर्ष के बाद. After 1963. 1963 के बाद. We got a message. हमें एक संदेश मिला. We got a star. हमें एक सितारा मिला. We got a light. हमें रोशनी मिला. We got a message of jubilee. हमें जुबली का संदेश मिला. And when that message came here. और जब वो संदेश यहाँ पर आया. It started speaking a line. और एक सीधे सीधे एक लाइन बोलने लगा. This bride will not die. ये दुल्हन नहीं मरेगी. It was an announcement. ये कुछ घोषणा थी. For some slaves. कुछ गुलामों के लिए. That they are ready now. कि वो अब तैयार हैं. That they can return back home. कि वो वापस घर लौट सकते हैं. I am not speaking about the world. मैं संसार के बारे में बात नहीं कर रहा. But I am speaking about this church. लेकिन मैं इस कलीसिया के बारे में बोल रहा हूँ. Exactly after 7 sabbaths. सटीकता पूर्ण 7 सबत के बाद. You shall number 7 sabbaths. तुम 7 सबत गिन लेना. The Bible says that. बाइबल ये बताती है. And after 7 sabbaths. और 7 सबत के बाद. After 49 years. 49 वर्ष के बाद. Of that marriage. उस शादी के. What happened? क्या हुआ? Christ appeared again. मसीह दोबारा प्रकट हुए. In that same light. उसी रोशनी में. Which he had appeared in 1950. जो वो प्रकट हुए 1950 में. And accompanied that ministry. और उस सेवकाई के साथ साथ रहे. And gave us a jubilee message. और हमें एक जुबली का संदेश दिया. And when that message came. और जब वो संदेश आया. The message said. संदेश ने कहा. This bride will not die. ये दुल्हन नहीं मरेगी. She is going in the rapture. वो रैप्चर में जा रही है. It started talking about Hannah. और वो बातचीत करने लगा हन्ना के बारे में. Start talking about Esther. वो एस्थर के बारे में बात करने लगा. Start talking about these Bible characters. और इस बाइबल के किरदारों के बारे में बात करने लगा. And they had to wait one more year. और उनको एक साल और इंतजार करना पड़ा. For that 50th year to come. उस 50वें वर्ष के आने के लिए. And I want to show you something. और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. When we are celebrating that 50th year of this brother's marriage. और जबकि हम इस भाई के 50वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं. We are celebrating a jubilee here. हम यहाँ पर एक जुबली को मना रहे हैं. Which is a sign for us. क्योंकि हमारे लिए एक चिन्ह है. Because from that time. क्योंकि उस समय से. If you take that 50 year. अगर आप उस 50वें वर्ष को ले. Which would be 2013. जो कि 2013 होगा. One year after that. वो एक साल उसके बाद. How the messages came. कैसे संदेश आए. I don't want to take you in that. मैं आपको उसमें ले जाना नहीं चाहता. Then came another week. फिर एक और सप्ताह आया. A week of years. एक सालों का सप्ताह. And it finished in 2020. और वो 2020 में समाप्त हुआ. And when that time finished. और जब वो समय समाप्त हुआ. 7 years of plenty of Joseph. यूसुफ के साथ खुशहाली वाले वर्ष. And when the 2 years of wave of COVID came. और जब दो वर्ष आए उस COVID की जो लहरें आई. And here we are ready to enter 2023. और यहाँ पर हम तैयार हैं 2023 में पदार्पण करने के लिए. Why? क्यों? To celebrate a jubilee, brother. ताकि एक जुबली को मनाएं मेरे भाई. I want to show you something. Sit down, please. कृपया बैठ जाइए. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. Because this is the Bible. क्योंकि ये Bible है. Speaking about that 50th year. बातचीत करते हुए उस 50वें वर्ष के जुबली ईयर के बारे में. Two events this year. Sorry, two घटना. Two events this year, brother. दो घटनाएं इस साल. One was a birthday. एक था birthday. And one is an anniversary. और एक है वर्षगांठ. One in the summer, one in the winter. एक गर्मी के मौसम में और एक शीतकाल में. When we are celebrating that number 50. जब हम उस मना रहे हैं उस 50 अंक को. In amongst us. हमारे बीच में. And the Bible says. और बाइबल बताती है. Then shall thou cause the trumpet of jubilee to sound. तब तुम जुबली की तुरई को फूंकना. On the 10th day of the 7th month. सातवें महीने की 10वीं तारीख को. In the day of atonement. प्रायश्चित के दिन में. If you remember. अगर आपको याद हो. The message came in 2012. संदेश आया 2012 में. But that voice came in October. लेकिन वो आवाज आई अक्टूबर में. Around 10th. 10 तारीख के आसपास. I think it was 11th October. मैं सोचता हूँ 11 अक्टूबर था. Around the same time. उसी समय के गेट. When that message came. जब वो संदेश आया. This bride will not die. ये दुल्हन नहीं मरेगी.
She's going in the rapture. वो रैप्चर में जा रही है. A sign for some magi's. एक चिन्ह कुछ मजूसियों के लिए. A sign for some wise men. एक चिन्ह कुछ ज्योतिषियों के लिए. मजूसियों के लिए. कुछ मजूसी के लिए. That's what I'm saying, brother. Yes. Amen. Don't let me stop, please. Yes, brother. Please help me. Yes. And so you find. So आप पाएंगे. That this happened. तो ये सब हुआ. And there came another cycle of seven. और फिर एक और चक्री आई सात की. Remember, Brother Branham said. याद रखिए भाई ब्रैनम ने कहा. After 7 years, every 7 years, there's a change in the life. नबी ने बताया कि जीवन के हर सात साल में एक बदलाव आता है. If you read on the wings of a dove. अगर आप उस संदेश को पढ़े एक श्वेत फाख्ता के पंखों के ऊपर. He said 7 years is a cycle. नबी ने बताया सात साल एक चक्री है. And he said when the disease struck me. और नबी ने कहा जब बीमारी मुझे आई. I was following the cycles of seven. मैं सात की चक्री को देख रहा था. At the age of 14. 14 साल की उम्र में. He saw the squirrel going in his mouth. उन्होंने देखा कैसे वो गिलहरी उनके मुंह के अंदर गई. And now. और अब. It's now 42 years. अब 42 साल हो गए हैं. Six times. सात छह सात दफा. Seven, six times. सात छह दफा. When he was trying to say, जब वो कहना चाहते थे, those 6 inches are over. कि 6 इंच समाप्त हो गए. And now I'm coming to the seventh one. और अब मैं आ रहा हूँ सातवें में. And when he was striking that seventh one, और जब वो सातवीं चक्री को चालू कर रहे थे, God took him home. खुदा उनको घर लेके चले गए. Who will finish that seventh one? कौन पूरा करेगा उस सातवीं चक्री को? Who will finish the last 7 years? कौन समाप्त करेगा वो अंतिम सात वर्ष? This cannot be that the dove comes in the month of September and the man for whom it comes, he dies in December, within a span of 2 or 3 months. ऐसा नहीं हो सकता कि फाख्ता आए सितंबर में और वो जिसके लिए फाख्ता आई वो दिसंबर में खत्म हो गए एक दो तीन महीने के अंतराल में. God going in all the details and all the photographs and all the camera and all the events that it became a full message and then it's all over finished. No. खुदावंद इतनी विस्तृतता में गए तमाम तस्वीरों में गए तमाम घटनाओं में गए फोटोग्राफ्स में गए और ये सब कुछ करने के बाद क्या उसको समाप्त कर दिया खुदावंद यूं ही ऐसे ही. Who will finish that seventh seven? कौन उस सातवें सात को समाप्त करेगा? 56 to 63. 56 to 63, which could never happen there. जो कभी वहाँ पे हो नहीं पाया. Then there has to be a cycle of seven. तो जरूरी एक सात की चक्री हो. Which had to be fulfilled somewhere. जिसको कि पूरा होना था कहीं पर. And I can show it to you. मैं आपको दिखा सकता हूँ. When it's getting fulfilled now. जब ये पूरा हो रहा है. We are striking a jubilee. हम एक जुबली तक पहुँच रहे हैं. Amen. Follow it with me, brother. क्या मेरे साथ चल रहे हैं आप? When Brother Branham struck his 49th year. जब भाई ब्रैनम अपने 49वें वर्ष में पहुंचे. From 1909, 49 would be 1958. Sorry. 1909 to 49 years would be 1958. 1909 से अगर हम 49 वर्ष जोड़े तो बनेगा 1958. And in 57 he preached Hebrew series. और 57 में उन्होंने हिब्रू सीरीज प्रचार करी. And by 1958 he was introduced to the tent vision. 1958 तक उनका परिचय हो चुका था तंबू के दर्शन से. And he was introduced to his third pole. और उनका परिचय हो चुका था तीसरे खिंचाव के लिए. But how in 63 he said. लेकिन कैसे 63 में उन्होंने कहा? We have to wait. हमें इंतजार करना होगा. We have to wait for that event. हमें उस घटना के लिए इंतजार करना होगा. God cut the time short. खुदा ने समय को पहले ही रोक दिया. At that time. उस समय. To let that thing progress later on. ताकि वो चीज बाद में आगे प्रगति कर पाए. And God brought up gap between. और खुदा बीच में एक अंतराल को लेके आ गए. You say, brother, how can it be? आप कहेंगे भाई कैसे हो सकता है? The land enjoyed its Sabbath when they left the land. उस भूमि ने अपने सबत को एंजॉय किया जब वो भूमि को छोड़कर चले गए थे. If you read the book of Jeremiah. अगर आप यर्मिया किताब को पढ़ें. When they went in 70 years of bondage. जब वो 70 साल की गुलामी में गए. They didn't used to observe jubilees. वो जुबली मनाया नहीं करते थे. That was their problem. ये थी उनकी समस्या. How many read book of Jeremiah actually? कितनों ने वास्तविकता से मेरी यर्मिया की पुस्तक को पढ़ा है? When God is giving and telling them about their sins. जब खुदा उनके गुनाहों के बारे में उनको बता रहे हैं. You can read very clearly there. आप स्पष्ट रीति से वहाँ पढ़ सकते हैं. They were not observing jubilees. वो जुबलियाँ नहीं मना रहे थे. They didn't used to set their slaves free. वो अपने गुलामों को आजाद नहीं करते थे. And they didn't used to set the lands free. और वो भूमियों को आजाद नहीं करते थे. So God said. So खुदा ने कहा. I'll give you one time. मैं तुम्हें एक ऐसा समय दूंगा. When you don't give Sabbath to your land. जब तुम अपनी भूमि को सबत नहीं देते. Now it'll have 70 straight Sabbaths. अब तुम्हारे पास 70 सीधे सबत होंगे. When nobody will be here to till the land. जबकि कोई यहाँ पर भूमि पे जोतने के लिए नहीं होगा. So there will be 70 straight Sabbaths at a go. तो एक सीधे 70 सबत होंगे एक साथ. And the land shall enjoy its Sabbath, the Bible says. और बाइबल बताती है कि भूमि अपने सबत को एंजॉय करेगी. And the problem with the people. और लोगों के साथ जो समस्या थी. They were not obeying jubilee. वो जुबली मान नहीं रहे थे. They were not following the 7 year cycles. ये सात साल की चक्री को वो मना नहीं रहे थे.
They were just celebrating it, maybe in some festivity, but not obeying the word. वो त्योहार के रूप में तो मना रहे थे लेकिन वचन के पालन करने के रूप में नहीं मना रहे थे. That's the one of the reasons God punished them. यही एक कारणों में से था जिसमें जिस कारण से खुदा ने उनको सजा दी. And I want to say, brother, मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, but God had a law. लेकिन खुदा उनके पास एक व्यवस्था थी. And I believe that law is getting fulfilled somewhere. और मैं सोचता हूं कि वो व्यवस्था कहीं पूरी हो रही है. When the prophet struck 49, जब नबी 49 साल के हुए. That was 1958. यह 1958. Why are we not a denomination? हम एक संस्थागत गिरजा क्यों नहीं है? You read that message? क्या पढ़ा आपने वो संदेश? And after 58, और 58 के बाद, the messages started changing more. संदेश और ज़्यादा बदलने लगे. And between 58 and 65, और 58 से 65 के बीच, which will be now from 49 to 56, जो होगा 49 से उनके 49वें वर्ष से 56वें वर्ष तक, which actually would be his 8th sermon. जो कि वास्तविकता में उनका आठवां साथ होगा, making him 56 years. उनको 56 साल बनाते हुए, you know the message. आप संदेश जानते हैं. It was during the last 7 years. ये अंतिम सात वर्ष of his life. उनके जीवन के. That God brought the book of revelations to him. कि खुदावंत प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को उनके सामने लेके आ गए. He opened the church ages. उसने उन्होंने कलीसिया का लोक खोला. Revelation 4. प्रकाशित वाक्य. Revelation 5. प्रकाशित वाक्य 5. The seven seals. सात मोहरे. The feast of the trumpets. तुरहियों का पर्व. And he wanted to preach the vials. और वो प्रचार करना चाहते थे कठोरों को. But God cut the ministry short. लेकिन खुदा ने सेवकाई को पहले काट दिया. Now when he went from this earth, जब वो इस पृथ्वी को छोड़ के गए, he brought another picture of his life. वो अपने जीवन की एक और तस्वीर लेके आए. We didn't start from birth, जो कि चालू नहीं हुई पैदाइश से. We started from the age of 14, जो कि 14 साल की उम्र से चालू हुई. When he contracted that disease, जब उनको वो बीमारी हुई. When the squirrel went in his mouth, जब गिलहरी उनके मुंह में चली गई. If you start from 1914, अगर आप 1914 से चालू करें, that's when the world war began. ये वो समय था जब विश्व युद्ध चालू हुआ. That's when the squirrel came in his mouth. ये वो समय था जब गिलहरी उनके मुंह में गई. 42 years, 42 साल. Would be now 6 sabbaths. अब ये होंगे 6 sabbath. That's right. बात सही है. 6 doves. 6 फाक्ताएं. He's now waiting for the 7th one. अब वो इंतजार कर रहे हैं सातवीं फाक्ता का. And the month of September 65. और सितंबर के महीने में 1965 में. He sees that 7th dove. वो सातवीं फाक्ता को देखते हैं. And he says, as a son of Abraham, I know. और कहते हैं इब्राहिम की संतान होने के नाते मैं जानता हूँ. That I am healed now. कि मैं अब चंगा हो चुका हूँ. And I know God gave me this as a sign. और मैं जानता हूँ खुदावंद ने मुझे एक चिन्ह के बतौर दिया है. The same Jehovah Jireh. वही यहोवा यिरे. That provided Abraham the sign. जिसने इब्राहिम को वो मेमना प्रोवाइड किया. Is the same one provided me the sign. और ये है ये वही यहोवा यिरे जिसने मुझे भी एक चिन्ह प्रोवाइड किया. And when that happened, brother. और जब ये हुआ मेरे भाई. God took him off the scene. खुदावंद को दृश्य से बाहर ले गए. That was his last year. ये उनका अंतिम वर्ष था. And in the last few months, these things happened. और अंतिम कुछ महीनों में उनके साथ ये कुछ हुआ. What about the seventh dove then? फिर सातवीं फाक्ता के बारे में क्या? Which would speak of 7 more years. क्योंकि सात और सालों के बारे में बातचीत करे. Somewhere that has to be fulfilled. कहीं पर इसको पूरा होना है. Could it be it's fulfilled already? क्या ऐसा है कि ये पहले से पूरा हो चुका हो? Could it be, brother? कैसा हो सकता है? That it had been fulfilled, finished. कि वो पूरा हो चुका, समाप्त हो गया हो. God hides in simplicity. खुदा साधारणता में छुपता है. And after finishing that cycle. और उस चक्र को समाप्त करने के बाद. Now we are striking our 50th year. और हमें पहुंच रहे 50वें वर्ष में. Because the name means divine protector. क्योंकि नाम का मतलब है दैवीय सुरक्षा देने वाला. And sister is a bride. और बहन जो एक दुल्हन है. Who received no man-made seed or strange seed. जिसने कोई भी मनुष्य के द्वारा बनाए हुए बीज को और वचन को प्राप्त नहीं किया. A perfect type of the bride. एक सिद्ध तस्वीर दुल्हन की. Who's married in her own family. जिसका शादी अपने ही परिवार में हुआ. Because Christ and bride is the same family. क्योंकि मसीह और दुल्हन एक ही परिवार के हैं. And when that has happened. और जब यह हुआ है. And we are striking our 50th year. और एक 50वें वर्ष में आ रहे हैं. Of a marriage anniversary. एक विवाह के एक शादी के वर्षगांठ. Then could this be a sign for us? तो क्या ये हमारे लिए एक चिन्ह हो सकता है? When we are entering 2023. जब हम प्रवेश कर रहे हैं 2023 में. Then could this be the time? क्या ये वो समय हो सकता है? When we are preaching jubilee. जब हम जुबली का प्रचार कर रहे हैं. 28th December. 28 दिसंबर. 29, 30, 31, 3 days left. 29, 30, 31, 15 दिन बचे हुए हैं. We are preaching a jubilee message. हम एक जुबली का संदेश प्रचार कर रहे हैं. And could it be? और क्या ऐसा हो सकता है? That this coming year. कि आने वाला साल. Is really a jubilee. एक वास्तविक में जुबली वाला वर्ष हो. Oh, that's my prayer. Oh, ये तो मेरी प्रार्थना है. I'm looking forward to that. मैं अग्रसर हूँ उसकी ओर. In 70 weeks, Brother Branham said. 70 सप्ताह वाला संदेश में भाई ब्रैनम ने कहा. Very clearly he mentions this. बड़ी स्पष्टता से तो वो लिख देते हैं. What kind of a jubilee would it be? ये किस प्रकार की जुबली होगी? The going up of the Gentile bride. अन्य जाति दुल्हन का ऊपर जाना. And the gospel returning back to the Jews. और सुसमाचार को वापस फेरना
यहूदियों के पास. That's right, brother. ये बिल्कुल सही बात है मेरे भाई. Behold, gross darkness shall cover the earth. देखो घोर अंधकार पृथ्वी को ढक लेगा. But for you, लेकिन तुम्हारे लिए, a light has come. एक रोशनी आ चुकी है. And we are here, brother. और हम यहाँ पर हैं भाइयों. Entering a new year. एक नए साल में प्रवेश कर रहे हैं. With a jubilee message. एक जुबली के संदेश के साथ. Amen for that. आमीन इस बात के लिए. The divine protector. दैवीय सुरक्षा देने वाला. Protecting his bride. अपनी दुल्हन को सुरक्षा देते हुए. From 63. 63 से. We follow the 49 years. हम 49 वर्ष को फॉलो करते हैं. I want to show you something else. मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ. This divine protector has always been with his bride. ये दैवीय सुरक्षा देने वाला हमेशा अपनी दुल्हन के साथ रहा है. And right in the time of the squeeze, which is going to happen now. और ठीक उस दबाव के समय जो अब होने वाला है. When the squeeze comes from every side on this flower. और जब ये दबाव आएगा चारों ओर से इस फूल के ऊपर. At the same time, उसी समय, Abraham talks about an Easter flower. जैसे भाई ब्रैनम बातचीत करते हैं ईस्टर फूल की. Hiding under a rock. जो कि एक चट्टान के नीचे छिपा है. And when the poison gases of World War I went and burned everything, and when a chaplain put off that rock and he turned that rock under the rock, there is a lily flower that was blooming and shivering. Hallelujah. और नबी कैसे बता रहे हैं कैसे वर्ल्ड वॉर में जब बड़ी विषैली गैसें घूम रही थी और उसने लोगों को समाप्त कर दिया था, उसने प्रकृति को बर्बाद कर दिया था, और एक चैपलिन जो था वो जा रहा था और उसने वहां पे एक पत्थर के नीचे जब उसको लुढ़काया तो उसके नीचे एक बहुत ही खूबसूरत लिली का फूल खिल के निकल के आ गया. Why was that protected? वो सुरक्षित क्यों था? Why didn't that lily die? वो लिली मरा क्यों नहीं? The reason is it was protected by a rock. कारण ये था कि वो एक चट्टान के द्वारा बचाव में रखा गया. And that rock is Christ. और वो चट्टान मसीह है. Our divine protector. हमारा दैवीय सुरक्षा देने वाला. Protecting this flower, this bride. इस फूल को, इस दुल्हन को सुरक्षा देते हुए. From all the poison doctrines. तमाम विषैली शिक्षाओं से. From all the poisons of this world. तमाम विषैली विशाली पदार्थों से. From all that's happening in this earth, brother. सब कुछ जो इस संसार में हो रहा है. But I want to tell you something. लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. That divine protector used his gift and said. उस दैवीय सुरक्षा देने वाले ने अपने वरदान का इस्तेमाल करके कहा. He said, when that squeeze comes. उन्होंने कहा जब वो दबाव आएगा. Watch that pull then. उस खिंचाव को तब ध्यान से देखना. When the enemy comes in like a flood. जब दुश्मन बाढ़ की मानिंद आए. The divine protector comes. दैवीय सुरक्षा देने वाला आ जाता है. Christ the Osmond comes. मसीह जो Osmond है आ जाता है. For his bride. अपनी दुल्हन के लिए. With a third pole. तीसरे खिंचाव के साथ. Are you catching that mystery? Oh, क्या आप उस भेद को पकड़ रहे हैं? And we are celebrating the 50th anniversary of those two names. और हम इन दो नामों के 50वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं. If you can follow that, brother. अगर आप इसका अनुकरण कर पाए मेरे भाई. The protector is with us tonight. जो सुरक्षा देने वाले हमारे साथ आज रात्रि है. God really bless you. खुदा ने आपको वास्तविकता बड़ी बरकत दे. I am not going to take a lot of your time. मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा. But I would like to say, think on these things. लेकिन आपसे कहूंगा इन बातों के विषय में सोचिए. How things happen. कैसे चीजें गुजरती हैं? And we are following it. और हम इसका अनुकरण कर रहे हैं. This year began with 7 engagements and marriages. ये साल चालू हुआ 7 engagements और शादियों के साथ. And it's ending with an anniversary. और ये समाप्त हो रहा है एक वर्षगांठ के साथ. A 50th anniversary. एक 50वीं वर्षगांठ. For this particular church, I'm saying. इस खास कलीसिया के लिए मैं कह रहा हूँ. O Church of Lord Jesus Christ. हे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया. O Divine Love Tabernacle. Oh, divine love tabernacle. Oh, assembly of Lord Jesus Christ. Oh, assembly of Lord Jesus Christ. Shine. Chamko. Rise and shine. Utho, prakashman ho. Your light has come. Tumhara ujiyala aa gaya hai. And the glory of God is risen upon thee. Aur khuda ki mahima tum par ujagar hui hai. And you are here to celebrate a feast. Aur tum yahan par aaye ho ek parv ko manane. A feast of your going home. Ek parv aapke ghar jaane ka. Of your body change. आपकी देह बदलाव वाला पर्व. These balloons are your rapture balloons. ये गुब्बारे आपके rapture वाले गुब्बारे हैं. That's what you're here to celebrate. यही तो आप मनाने यहाँ पर आए हैं. God's name be praised. खुदा उनका नाम जलाल पाए. All things didn't happen by chance. सब चीजें यूं ही by chance नहीं हो गई. It's just happening, brother. ये सब घट रहा है. How sister made a poem. कैसे बहन ने वो पोयम बनाई. And put our brother as Lily. और हमारे भाई को एक लिली का नाम दिया. Mr. Lily. श्रीमान लिली. That means Mr. Lily must be having a Mrs. Lily. तो इसका मतलब श्रीमान लिली की एक श्रीमती लिली भी होंगी. And she is actually Viola. और वो वास्तविकता में वायला हैं. That's right, brother.
बिल्कुल सही बात है. And we really thank God for such a couple amongst us. और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ ऐसे जोड़े के लिए हमारे बीच में. God really bless you, brother. खुदा बड़ी बरकत दे आपको भाई. We love you. हम आपसे प्रेम करते हैं. And we want to uphold you in Christ. और मसीह में हम आपको उठाना चाहते हैं. And sister, we want to uphold you in Christ. और बहन आपको मसीह में हम उठाना चाहते हैं. We want to say, be fruitful, brother, sister. मैं हम कहना चाहते हैं भाई फलवंत हो. Eat the labor of your fruits. अपनी मेहनत के फल को खाएं. And I would say, may God give you all a body change. और मेरा प्रार्थना है खुदा हम सबको आप सबको एक body change दें. And all of us as well. और हम सबको भी body change दें. Let us see that event. आइए हम उस घटना को देखें. This soon coming event. ये शीघ्र आने वाला घटना. When these bodies will be changed. जब ये बदल जाएंगी. And we'll be gone home. और हम घर चले जाएंगे. It's a going home time. ये घर वापसी का समय है. It's a rapture time. ये rapture का समय है. God really bless you. खुदा वास्तविकता में आपको बड़ी बरकत दे. Think on these things. इन बातों के विषय में सोचिएगा. I don't want to be long tonight. आज रात ही मैं लंबा नहीं बोलना चाहता. But I would just like to show you this. लेकिन मैं आपको केवल दिखाना चाहता हूँ. Notice the way this year is closing. ध्यान से देखें जिस तरीके से ये साल समाप्त हो रहा है. Just before the year closes, ठीक इससे पहले कि साल समाप्त हो, one message says, एक संदेश कहता है, when those magi's left that place, जब उन मजूसियों ने उस जगह को छोड़ा, the light reappeared again, वो रोशनी दोबारा से प्रकट हुई. Oh, that was very significant. ये तो बहुत ही मार्के की बात है. Some last day Gentile warriors fighting through the enemy line to get back that fresh drink of Pentecost in this age. कुछ अंतिम समय के अन्य जाति योद्धा वो लड़ाई को लड़ते हुए जा रहे हैं उन दुश्मनों के टुकड़ियों में से होकर के ताकि उस पेंटिकॉस्ट के पानी को लेके आ सके. टू गेट अ ब्राइड ताकि एक दुल्हन को लाएं फिल विद द होली गोस्ट पवित्र आत्मा से परिपूर्ण. एंड वी कैन सी दैट सेम थिंग्स आर हैपनिंग हियर. हम देख पा रहे हैं वही चीजें यहां पर हो रही. योर यंग मैन एंड योर अल्पोमा स्पिरिट एंड दे शैल सी ड्रीम्स एंड वी कैन सी इट्स इवन हैपनिंग इन आवर चर्च. और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे ख्वाब देखेंगे हम देख पा रहे हैं कि यहां तक कि हमारे हमारे बीच में भी ये हो रहा है. That's right. बात सही है. And God is fulfilling them. और खुदावन इन बातों को पूरा कर रहे हैं. And he is fulfilling those things. और उन चीजों को वो पूरा कर रहे हैं. I told some, you note it down. I'll talk with you later. मैंने कुछ लोगों से कहा आप इसको लिख लीजिए मैं आपसे बाद में बातचीत करूंगा. I'm very busy. Yes, I'm very busy these days. Yes. क्योंकि मैं इन दिनों में बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ. But then yes, I still have an idea of those dreams. और लेकिन मेरे पास अभी भी एक विचारधारा है उन ख्वाबों की. I saw this dream. मैंने ये ख्वाब देखा. Isn't that what happened in 62? क्या यही चीज हुआ नहीं था 1962 में? Isn't that happened in 65? क्या यही चीज 65 में नहीं हुई? Same series of dreams. वही ख्वाबों की श्रृंखला. Pulpit getting elevated. पुलपिट ऊपर उठाया गया. That's right. New pulpit. नई पुलपिट. I can show you exactly in the message where it is. मैं आपको सटीकता पूर्ण दिखा सकता हूँ ये संदेश में कहाँ पर है. Oh, but I don't want to right now. लेकिन इस समय में नहीं करना चाहता. So this is not the time for that. ये वो समय नहीं उसके लिए. My personal prayers are for everyone. I tell you there are things we should learn from our precious brother and his family. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम में से हर एक को इस बहुमूल्य परिवार से भाई भाई ऑस्मन टाइटस के और सिस्टर वायला टाइटस के परिवार से हमें सीखना चाहिए. He said, कैसे जब वो गवाही दे रहे थे उन्होंने कहा we children used to get food until we prayed first. उन्होंने बताया कि हम बच्चों को भोजन नहीं मिलता जब तक हम पहले प्रार्थना ना कर लें. That's right. बात सही है. Pray first and then eat. You don't even deserve to eat. पहले प्रार्थना करें फिर खाना खाएं. आप योग्य भी नहीं खाना खाने की जब तक आप प्रार्थना ना करें. Prayer is not that prayer on the table. No, I'm not talking praying for food. Your personal prayer in the morning. प्रार्थना करना मेज पे नहीं खाने के लिए लेकिन आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना कमरे में. That's right. बात सही है. That's right. बात सही है. You heard the message influence. क्या आपने संदेश सुना था प्रभाव. And how that boy was following dad's steps. और कैसे वो लड़का जो है जूनियर अपने बाप के पदचिन्हों पे चल रहा था. On that Christmas day. उस क्रिसमस के दिन में. He had drank too much. उस दिन बाप ने बहुत ज्यादा पी ली थी. And he realized what a bad influence I am on my child. और उसने इस बात को समझा कि मैं कितना बुरा प्रभाव हूं अपने बेटे के लिए. I think we have some better parents here. मैं सोचता हूं हमारे पास कुछ बेहतर माँ बाप हैं यहाँ पे. And some better children who obey what their parents say. और कुछ बेहतर बच्चे जो कि अपने माँ बाप के कहना मानते हैं. And we say that. मैं कहना चाहता हूं. No food before till you pray. कोई भोजन नहीं जब तक कि आप पहले जाके कमरे में प्रार्थना ना कर लें. Yeah, that's right. ये बात बिल्कुल सही है. These are the trainings which later on work. ये हैं वो ट्रेनिंग प्रशिक्षण जो बाद में काम आती हैं. Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण. You fail on Monday exam, but you have to come to the church on Sunday. आप फेल हो जाएं,
मंडे के इम्तिहान में, लेकिन आप जरूर संडे को चर्च में आए. दैट्स राइट. ये बात बिल्कुल सही है. यू डोंट हैव टू सिट ऑन संडे इफ यू हैव स्टडीड द होल ईयर. आपको संडे को घर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने पूरे साल पढ़ाई करी होगी. But if you are a crash course master, I can't say. लेकिन अगर आप क्रैश कोर्स वाले मास्टर हैं, मैं कह नहीं सकता. I'll wake up 24 hours and finish the course. 24 घंटे में मैं अपने पूरे सिलेबस को समाप्त कर दूंगा. God never have a crash course. खुदा के पास कोई क्रैश कोर्स नहीं है. No sir. नहीं श्रीमान. In fact, Brother Branham said God is never in a hurry. और सही बात तो यह है कि भाई ब्रैनम ने यह कहा कि खुदावंत कभी भी जल्दबाजी में नहीं होते. He teaches one things at a time. वो एक-एक करके चीजों को सिखाते हैं. But he also expects that if I teach something, now it should remain, that in future when I ask, they are able to reply. और खुदावंत ये बेशक चाहते हैं कि जो मैंने सिखाया एक-एक करके बातें वो दिमाग में बनी रहे, ताकि जब मैं बात सवाल पूछूं तो वो चीजें याद आए. How many of you realize the power of consistency? आप में से कितने लोग इस सामर्थ को, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को समझते हैं? टू बी कंसिस्टेंट, लगातारिता को. यू नो व्हाट, आप जानते हैं, इफ यू डू दिस मच बट एवरी डे, अगर आप इतना सा करें लेकिन रोज करें, यू आर एबल टू फिनिश एवरीथिंग, आप सब कुछ समाप्त कर पाएंगे. मच मच बिफोर टाइम, समय से बहुत बहुत पहले. दैट्स राइट. ये बिल्कुल सत्य बात है. बट यू ट्राई टू Put this much in this much time. लेकिन अगर आप फिट करना चाहे इतने को इतने थोड़े समय में, it can't be. हो नहीं सकता. And that's the same with the rapture. और यही चीज रैप्चर के साथ भी है. One day, one week, I will sit. I'm waiting for the day when Los Angeles, I hear in the newspaper, yeah, it's gone under the ocean. Now it's time for the rapture. I'm not coming. Boss, I'm going on a leave. I can't come to the office because no rapture time. Now this week. I will spend with the Bible and with the message and lock myself in the room. Sorry, that's too late. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं इंतजार कर रहा हूं उस दिन का जिस दिन लॉस एंजलिस समुद्र की तलहटी में चला जाएगा. उस दिन जब ये हो जाएगा घटना में अखबार में पढ़ लूंगा, मैं कहूंगा बॉस अब मैं दफ्तर नहीं आ सकता, मैं अपनी नौकरी पे नहीं आ सकता, क्योंकि अब मुझे अपने आप को कमरे में बंद करना है. अब ये वो समय इस हफ्ते में मुझे पूरा का पूरा संदेश पढ़ना है. यू कांट डू इट. आप नहीं कर सकते. नेवर. कभी नहीं. That is why God demands consistency in your love to Him. इसलिए खुदावन मांग करते हैं लगातारिता को उसके प्रति प्रेम की. Every day altar, every day prayer. हर रोज altar, हर रोज प्रार्थना. This is the things that the children, especially I would say, should learn. और मैं कहूँगा खास तौर से बच्चों को ये चीज़ सीखना चाहिए. Very very important. बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. And those who learned it. और जिन्होंने इसको सीखा है. They are reaping the benefits of it. वो इसके लाभ को भोग रहे हैं. They will. वो करेंगे. 100%. 100%. But those who are not able to learn this simple lesson. लेकिन जो ये साधारण शिक्षा को नहीं सीख पाए. Professing, as Romans 1 says, professing themselves to be wise, they became fools. और जैसे रोमियो 1 में लिखा है, इस बात को समझते हुए, बोलते हुए कि वो अकलमंद है, वो मूर्ख बन गए. अभी मैं गया था किसी के घर में, दुष्टात्मा ग्रसित था, तो बाहर से आवाज लगाई, कौन है आप, कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग, ये बोलती है वो दुष्ट आत्मा. दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग, तो यही सोचता है दुष्ट आत्मा से ग्रसित कि दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग मैं हूं, कमरे में बंद. समझ मारी आपके? दिस इज नथिंग बट साइंस ऑफ डीमंस. ये कुछ नहीं वरन दुष्टात्मा का चिन्ह है. बट वेन द होली गोस्ट कम्स, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज ह्यूमिलिटी. जो पहली चीज आती है वो आती है दीनता. टू हियर व्हाट अदर्स से, इस बात को सुनना कि दूसरे क्या कहते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? क्या समझ रहे हैं इस बात को? एंड देन यू फाइंड फ्रॉम दैट डे थिंग्स स्टार्ट्स हैपनिंग. और आप पाएंगे उस दिन से चीजें घटने लगती हैं. डोंट स्लैक ऑन योर प्रेयर्स. अपनी प्रार्थनाओं में धीमे ना पड़े. एस अ ब्रदर सेड, जैसे हमारे भाई ने कहा, we need to learn these things. हमें इन चीजों को सीखना जरूरी है. That's right. ये बात सही है. My father and mother woke up at 5 o'clock in the morning because I didn't used to walk. I told you that testimony. आपको याद होगा मैंने उस गवाही को बताया था, मेरी माँ और मेरे बाप सुबह 5 बजे उठते थे. क्यों? क्योंकि मैं चलता नहीं था. And they were worried, this is an abnormal child. He's not able to walk. और वो बड़े चिंतित थे कि ये abnormal बात है कि हमारे बच्चा चल नहीं रहा. They said, my mother's name was Asha. She knows, assistant Lona knows that. We all know it, of course. And my father used to say, when your mummy used to pray, I used to sleep. And when I used to pray,
शी यूज्ड टू स्लीप. और मेरी माँ बताती थी कि सुबह उठ के जब 5 बजे दुआ का वक्त आता था तो जब मैं प्रार्थना करती थी तो पापा सोते थे, और जब पापा प्रार्थना करते थे तो मैं सो जाती थी. That's right. बात सही है. Yet, because they were diligent, फिर भी क्योंकि वो लगातारिता में थे, God heard that prayer. खुदावंद ने उस प्रार्थना को सुना. And within 7 days, और 7 दिन के अंदर अंदर the reply came. जवाब आ गया. You see, अब देखिए, my precious brother, मेरे बहुमूल्य भाई, there are ways in God does things. कुछ तरीके हैं, चीजें हैं जिसमें खुदावंद काम हो करते हैं. And we need to learn those things. और हमें उन बातों को सीखना जरूरी है. God really bless you. खुदावंद वास्तविकता में आपको बड़ी बरकत दे. We have other times when we spend more time on these things. हमारे पास दूसरे समय हैं जबकि हम इन चीजों पे और समय व्यतीत करेंगे. But think on these things which we just preached. लेकिन इन बातों पे सोचिए जिसको हमने अभी प्रचार किया. Closing the year with a 50th anniversary. इस साल को समाप्त कर रहे हैं 50वीं शादी की वर्षगांठ के साथ. On the 10th day of the 7th month. 7वें महीने की 10वीं तारीख को. Jubilee. Jubilee. A sign of release. एक छुड़ौती का चिन्ह. That you can be set free. तुम आजाद हो सकते हो. And I would say, मैं कहना चाहूंगा, get rid of those foul musics. उन गंदी गंदी जो म्यूजिक्स हैं उनसे दूर हो जाएं. Get rid of those filthy games. उन गंदे गेम से आप पिंड छुड़ाएं. Get rid of comics. कॉमिक से पिंड छुड़ाएं. Get attracted to the Bible, even if you are not. और बाइबल की तरफ आकर्षित हो जाएं, यहां तक कि अगर आप हो भी ना. Sit. बैठें. Make yourself sit. अपने आप को बैठाएं. There's a demon that doesn't want you to sit. एक दुष्टात्मा जो आपको बैठने नहीं देती. But you sit. लेकिन आप बैठिए. And hear the word. और वचन को सुनिए. Spend some time with the word, even if you don't understand anything. वचन के साथ समय बिताइए यदि आपको कुछ समझ में ना आए. Don't worry. चिंता ना करें. But you read the Bible. God bless you, brother. लेकिन आप बाइबल पढ़ें. And you pray. और आप प्रार्थना करें. Within few days, कुछ ही दिनों के अंतराल में, your mind will start changing. आपका दिमाग बदलने लगेगा. Your life will change. आपका जीवन बदल जाएगा. You will not be the same. आप वैसे बने नहीं रहेंगे. I can give you in writing, your revival is there. मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, आपका बेदारी वहां है. Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, in the message, 7 church ages, सात कलीसियाओं वाले संदेश, every time that the revival came, हर बार जब बेदारी आई, is because there were some people, ये इसलिए था कि कुछ लोग थे, who welcomed the word, जिन्होंने वचन को आमंत्रित किया. If you will welcome the word in your life, अगर आप वचन को आमंत्रित करेंगे अपने जीवन में, if my people, अगर मेरे लोग, shall turn from their bad ways, अपने बुरे मार्ग से अगर वो फिर जाएं, and repent, और तौबा करें, and turn to me, और मेरी ओर मुड़ जाएं, and pray to me, और मुझसे प्रार्थना करें, I'll hear from heaven, मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा. If you can repent, अगर आप तौबा कर पाएं, you can receive the Holy Ghost, आप पवित्र आत्मा ग्रहण कर सकते हो, and your lives can be changed, और आपके जीवन बदल सकते हैं. That's what we need, brother, sister. यही चीज की आवश्यकता हमें, मेरे भाई, मेरी बहन. It's not that somebody just wakes you again and again. ऐसा नहीं कि कोई आपको बार बार आके जगाए. One day a rapture would happen. एक दिन रैप्चर हो जाएगा. No alarm clocks after that. उसके बाद कोई अलार्म क्लॉक नहीं. Nobody will bang your door. कोई आपके दरवाजा नहीं खटखटाएगा. Get up. उठो. It's morning. ये सुबह है. Nobody would be there. कोई वहां पर होगा नहीं. To say now it's prayer time. इस बात को बताने के लिए ये प्रार्थना का समय है. But a voice will come. लेकिन आवाज आएगी. Like it came in Gethsemane. जैसे वो गेथसेमनी में आई. Now keep on sleeping. अब सोते रहो. I don't want to hear that voice. मैं उस आवाज को सुनना नहीं चाहता. I don't want my young boys and girls who are even sitting here in the people who are hearing the meeting to hear that voice. मैं नहीं चाहता मेरे जवान भाई और बहन जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ तक कि वे जो इंटरनेट के माध्यम सुने, वो उस आवाज को सुने. Now sleep on. अब सोते रहो. It's over. समाप्त हो गया. I don't want that anybody hears that. मैं नहीं चाहता कोई इस बात को सुने. Let me say it, precious brother, sister. मैं कहना चाहता हूँ मेरे बहुमूल्य भाई, मेरी बहन. Don't miss the day of your visitation. अपने सुधि लेने वाले दिन को मिस मत करना. Don't let it happen. ऐसा ना हो. When Christ wept over Jerusalem. जब मसीह यरूशलम को देख के रोए. Oh Jerusalem, oh Jerusalem. Oh Jerusalem, oh Jerusalem. If you are known. The grace which God brought for you. अगर तुम जान पाते वो अनुग्रह जो खुदावन तुम्हारे लिए लेके आया. But now, लेकिन अब, your hour has come. तुम्हारी घड़ी आ पहुंची है. Is that right? ये बात सही है? Because you didn't give heed to the day of your visitation. क्योंकि तुमने अपनी मुलाकात वाले दिन को तवज्जो नहीं दी. Don't let it happen in your life. अपने जीवन में ऐसे होने मत दे. Never, brother. कभी नहीं मेरे भाई.
I don't want to finish this meeting on a sad note, but I am forced to say certain things. मैं इस मीटिंग को सैड नोट पे खत्म करना नहीं चाहता, लेकिन मैं फोर्स हूं कुछ बातों को कहने के लिए. इफ यू डोंट पे हीड टू योर लाइफ, अगर आप अपने जीवन की ओर ध्यान से तवज्जो ना दें, इट्स नॉट दैट यू विल लूज फिजिकली, स्पिरिचुअली यू विल बी गॉन फिनिश्ड. ऐसा नहीं होगा कि आप केवल भौतिकी रूप से आप कुछ खोएंगे, आत्मिक तौर से आप खत्म हो गए. डेड, फिनिश्ड, मृत्यु खत्म बिल्कुल. एंड व्हाट अ सीन इट वुड बी, और क्या दृश्य होगा ये. टू इन द फैमिली इन हेवन एंड थ्री इन हेल, दो परिवार के जन जो हैं वो स्वर्ग में हैं और तीन नरक में. एंड दे से कम ऑन, और वे कहेंगे कम ऑन, मेक माय टोस्ट, मेरा टोस्ट बनाओ. सॉरी नाउ देयर इज अ बिग गल्फ बिटवीन अस, माफ करना हमारे बीच में तो बड़ी खाई है. नाउ प्रिपेयर योर ओन टोस्ट, अब अपना टोस्ट खुद बनाओ. गेट रेडी योर सेल्फ, खुद तैयार हो जाओ. आई डोंट वॉन्ट दीज थिंग्स टू हैपन इन फैमिलीज, मैं नहीं चाहता ये बातें परिवार में हों. So it will be good, तो ये भला होगा, that we pay heed, कि हम तवज्जो दें. And if not, और अगर नहीं, find time, समय निकाल लें, to these things, इन बातों के लिए. It's a dead serious matter, ये बहुत अहम गंभीर समय है. Because the one who didn't hear his jubilee, कि वो जिसने उसकी जुबली को नहीं सुना, his ears were pierced, उसके कानों में छेद किया गया. What did Brother Branham say? भाई ब्रैनम ने क्या कहा? It was a mark on the ear. ये कान पे एक चिन्हानी थी. Then no more how many such trumpets are blown, कि आप चाहे ऐसी कितनी तुरैया फूंक दी जाएं, this man will have nothing in his heart, इस आदमी के हृदय में कुछ नहीं होगा. A slave forever, एक गुलाम हमेशा के लिए. That's also a message of the jubilee, ये भी जुबली का एक संदेश है. So my precious brother, so मेरे बहुमूल्य भाई, my sister, मेरी बहन, and young brothers and sisters who are here, और जवान भाई बहन जो यहाँ पर हैं, consider your lives, अपने जीवन को ध्यान से देखें. Consider your ways, अपने मार्गों को ध्यान से देखें. That's right, ये बात सही है. And sit down, और बैठ जाएं, with the word, वचन के साथ. The day you sit with your Bible, I can give you in writing, that is the day your life changes. मैं आपको लिखित रूप में देख बता सकता हूँ, जिस दिन आप अपनी बाइबल के साथ बैठ गए ना, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा. यू विल नेवर बी द सेम, आप बिल्कुल वैसे बने नहीं रहेंगे. यू विल नॉट एक्ट लाइक अ बीस्ट, आप एक पशु समान काम नहीं करेंगे. दे ऑल्सो ईट एंड स्लीप, वो भी खाते और सोते हैं. बट यू विल बी लाइक अ मैन विच गॉड मेड इन हिज इमेज, लेकिन आप उस मनुष्य के समान होंगे जिसको खुदा ने अपने रूप और समानता में बनाया. हु टोल्ड हिज वाइफ, जिसने अपनी पत्नी से कहा, लेट्स गो, पापा इज कमिंग, आओ चले, पापा आ रहे हैं. बीस्ट, and even the beasts in that time, aur yahan tak ki pashu jo us zamane mein the, they knew about worship, wo bhi upasa ke bare mein jante the. The choir in garden of eden, wo sangeet samuh jo ki baag eden mein tha, they all used to gather with adam and eve, ve sab ikhatta hote the adam aur havva ke sath. Because when that triangular light used to come, kyunki jab wo tikhoni roshni aati thi, in the evening time, sham ke samay, they knew papa god has come, unko malum tha papa god aa gaye hain. And just before we go to sleep, aur is theek se pehle hum sone jaye, he's come to have communion with us, wo aaye hain hamare sath sahbhagita karne ke liye. And he's going to share certain things and ask certain things, aur wo kuch khas baat aur share karenge, kuch khas baatein puchenge. Tell us, what did you do today, बताओ आज तुमने क्या क्या किया. How much of spoken word you used, कितना मुंह से बोला गया शब्द तुमने इस्तेमाल किया. You see, when you think of such things, we are very low. आप देखिए, जब इन बातों के बारे में सोचते हैं, बहुत नीचे. If Papa God comes tonight and asks, अगर पापा गॉड आज रात को आ जाए पूछे, How many schools did you create today, आज कितनी गैलरी तुमने बनाई. How many mountains did you remove today, कितने पहाड़ तुमने आज हिलाए. That's right, बात सही है. That's the kind of fellowship he wants, इस किस्म की संगति वो चाहते हैं. How much did you progress in faith, विश्वास में तुमने कितनी प्रगति की है. How much did you progress further in your journey, अपनी यात्रा में कितने ज्यादा तुम और आगे बढ़े हो. Every one of you think, आप में से हर एक सोचे. And you'll realize, और आप इस बात को समझेंगे. How much countless hours we waste in foolish things, कितना हम समय अपने जीवन में जाया कर देते हैं. I said in foolish things, हम जाया कर देते हैं मूर्ख बातों में. Zesting, talking, spending time and not realizing it's a God given time where we had to do something. इस बात को ना समझते हुए कि खुदा के द्वारा दिया गया हमें समय जिसको कि हमें उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, हम जाया कर देते हैं तमाम बातचीतों में और एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ाने में. This is not time for games, ये समय खेल खेलने का नहीं. Yeah, I have to say the young people, if you play games, go outside and sweat out. मैं कहना चाहूंगा जवान लोगों से, अगर खेल की खेलना चाहते हो, बाहर जाकर के पसीना बहाओ, वहां खेलो. It's not carom or chess, ये carom और chess नहीं है. Go out,
बाहर जाइए एंड वॉक अ लिटिल बिट और जॉग अ लिटिल बिट बाहर जाके थोड़ा दौड़े और थोड़ा चले दैट्स राइट यू विल फील बेटर हियर आपको दिमाग में अच्छा लगने लगेगा दैट्स राइट बात सही है Because that's what we did. यही चीज़ हमने की. I remember that. मुझे याद है ये बात. And being in naval public school, we were trained to run around. You remember that? Yes. Take the courses of the field. And all these sisters, who were there in the previous school, they know it. It's a habit. और सब जो पुराने भाई बहन हैं जो इस बात को जानते हैं स्कूल में क्या होता था हम जब नेवल पब्लिक स्कूल में थे अगर हम वहाँ पे लेट पहुँचते थे तो हमें फील्ड के चक्कर कटाए जाते थे. That's right. बात सच है. And even today, I can take. और आज भी मैं चक्कर काट सकता हूँ yeah, I can slow jog, yes, by His grace. और खुदा का अनुग्रह से मैं धीमे धीमे दौड़ सकता हूँ yes, I do it. मैं करता हूँ We have to. हमें करना है That's right. Because it's in my blood to walk. क्योंकि ये मेरे खून में है चलना. I walked long distances. मैं लंबे लंबे यात्रा को तय करता हूँ. I think one day I went from Kidwai Nagar to Brar Square just walking. और एक बार मैं Kidwai Nagar से Brar Square तक चलते चलते चला गया. And returned back. और वापस लौट के आया. It was in me to walk and walk and walk. ये मेरे अंदर ही बात थी कि मैं चलता चलता चाहता था चलना चाहता था. And I think that helped me in my physical thing. और इस चीज ने मेरे भौतिक जीवन में काम किया. Not just couch down in home and shut the room and lock it. And sit with a phone or something. Thank God, we didn't have phones at that time. ऐसा नहीं कि कमरे में किसी कोने में बंद हो जाए अपने फोन के साथ. खुदा का धन्यवाद हमारे ज़माने में फोन नहीं हुआ करते थे. That's why we used to go out with friends and run a little bit. और इसलिए हम दोस्तों के साथ बाहर जाके के भागा दौड़ी करते थे. What about this prophet? इस नबी के बारे में क्या? He is a big outdoors man. ये तो एक ऐसा शख्स है जो कि बाहर रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता है. If you say you love Branham, you'd love woods. अगर आप भाई ब्रैनम से प्रेम करते तो आपको जरूरी है कि आपको जंगल से प्रेम होगा एंड इफ यू हैव गॉन विद ब्रदर ब्रैनम ऑन अ हंटिंग ट्रिप माय यू हैव हैड इट और अगर आप भाई ब्रैनम के साथ किसी शिकार पर चले जाएं तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती इफ यू आर बट साउथविक व्हाट वुड हैपन अगर आप भाई बट साउथविक होते तो क्या होता कैरी दैट बेयर ऑन योर शोल्डर ब्रदर उस भालू को अपने कंधे पे उठा के चलना विल यू क्या कर पाएंगे आप काउच पोटैटोज जेलीफिशेस सॉरी आई एम यूजिंग सच वर्ड्स मैं ऐसे शब्दों को इस्तेमाल कर रहा हूं Couch potatoes, jellyfishes. No strength in the arms. कंधों में कोई ताकत ही नहीं. No strength in the legs. टांगों में कोई ताकत नहीं. You see, this society is getting destroyed. आप देखिए ये समाज बर्बाद होता जा रहा है. But this prophet, लेकिन ये नबी, who stood with the word, जो वचन के साथ बने रहे, watch him physically. ध्यान से देखें उसको भौतिक रूप में. And watch him spiritually. और आत्मिक रूप से देखें. He was very strong. वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे. Watch Moses. Musa ko dekhen. His natural strength, the Bible says, didn't abate when he was 120. Bible batati 120 saal ki aayu pe bhi uski taakat halki si bhi kam nahi hui. If Moses, what about Elijah? Elijah ke baare mein kya? Come on, man, you're so old. Oh, come on, man, aap to bahut zyada boode ho. Your meat is flopping. Aa, tumhara to gosht latak raha hai. Elijah would say. Elijah kahega. Jog with me for 1 hour. एक घंटे मेरे साथ जॉग करो आई कैन रन बिफोर हॉर्सेस मैं घोड़ों के सामने रथों के सामने भाग सकता हूँ बट यू पिज़्ज़ा पास्ता जनरेशन कैन यू वॉक 10 steps लेकिन तुम पिज़्ज़ा पास्टर वाली जो पीढ़ी हो क्या तुम 10 कदम भी चल सकते हो आई कॉल इट पिज़्ज़ा पास्ता जनरेशन मैं कहता हूँ पिज़्ज़ा पास्टर वाली जनरेशन या यूजलेस मैं कहूंगा बिल्कुल बेकार नो स्ट्रेंथ इनसाइड अंदर कोई ताकत नहीं दैट्स राइट ये बात सही है यू नीड स्ट्रेंथ आपको ताकत की जरूरत है दैट्स राइट यू नीड इवन स्ट्रेंथ टू प्रे यहां तक कि आपको प्रार्थना करने के लिए भी ताकत चाहिए हमने कहा बेटा घुटने के बल बैठ के दुआ करो अब अंदर ताकत नहीं है ना टांगे हैं माचिस की तीलियां पेट हो गया निब्बू जैसा एक्चुअली बीमारी है वहां से जो टर्म यूज हुआ ऐसे से कहा सिर झुका अब पेट इतना बड़ा सिर झुकता ही नहीं है नहीं सिर झुकाने के लिए बोला तो पेट आगे आ गया सांस ही फूलने लगी कहा दुआ करो लुढ़क गए मैं बोलना नहीं चाहता फिर कहा नहीं कोई नहीं आप चलो जैसा भी है चलो आगे घुटना करके दुआ कर लो थोड़ी देर दुआ करी तो थोड़ी देर के बाद यूं क्योंकि सांस सिर पे खून चढ़ गया ये प्रॉब्लम्स हैं फिर ये कैसे दुआ करते हैं घंटों घंटों ब्रदर मसीह एलिया मूसा पढ़ते हो इनके बारे में ये क्या खाते थे ये क्या खाना खाते थे क्या थी इनकी डाइट See, these are the things to watch. ये चीजें देखने योग्य हैं. That's right. And may God give grace. काश खुदा अनुग्रह प्रदान करें. That our young generation wakes up fast. I think they have woken up, many of them. कि हमारी जवान पीढ़ी जल्दी जग जाए और मैं सोचता हूँ कि वो जग जाते हैं जल्दी. Many of them have woken up, yes. उनमें से कई जग चुके हैं. Praise God.
धन्यवाद हो. Some are in the process of waking up. और कुछ इस क्रिया में हैं आगे जगने के. But I make use of every minute from this platform to speak for them. लेकिन मैं हर मिनट का इस्तेमाल करता हूं इस मंच से उनके लिए बोलने के लिए. Because Brother Branham said. भाई ब्रैनम ने कहा. If your child doesn't get the Holy Ghost, he will be caught up in the spirit of rock and roll sooner or later. भाई ब्रैनम ने कहा कि अगर तुम्हारे बच्चों को पवित्र आत्मा ना मिले तो बहुत ही शीघ्र उनको वो रॉक एंड रोल की आत्मा में पहुंच जाएंगे. अभी मीटिंग खत्म होगी, खाना होगा, खुशी है जो कि है ही खुशी आज का दिन. इन बातों को मत भूलना जो भाई टाइटस ने आज बोली कि माँ बाप खाना नहीं देते थे जब तक पहले दुआ नहीं कर लेते थे. समझ मारिए, इन चीजों को याद करना आज. और बड़े लोग भी सोचें हमारी ऑल्टर कैसी, हमारी दुआएं कैसी, लड़के लड़कियों जैसे बन रहे हैं. अभी मैं कहीं गया तो वहां मुझे यही दिखा, मतलब लड़के भी हैं तो लेकिन हाव भाव बात करने का कुछ मुझे कुछ अजीब सा होता है. आई डोंट नो आपके साथ क्या है, बट आई फील लाइक प्यूकिंग. लेकिन मुझे उल्टी सी आती है. आई फील प्यूकिश व्हेन आई फील व्हेन आई सिट अराउंड सच स्पिरिट्स. जब मैं ऐसी आत्माओं के इर्द गिर्द बैठता मुझे उल्टी सी आती है. ब्रदर ब्रैनम सेड मैन इज अ मैन. भाई ब्रैनम बताया आदमी आदमी है. That's right. बात सही है. How are you? Ash. You know, dainty fingers. आप देखिए बिल्कुल पतली पतली सी उंगलियां. How are you? I mean, just talking like a girl. एक लड़की जनखे की तरह बात करते हुए. I mean, if it made the prophet's head swim in J.C. Penney store, it would make every believer's head swim. अगर भाई ब्रैनम का दिमाग घूमने लगा J.C. Penney store में तो मैं सोचता हूँ हर एक विश्वासी के साथ वैसा ही होगा. You feel pukish around such perverted spirits. ऐसे. You'll feel pukish around such perverted spirits. ऐसी बिगड़ी हुई आत्माओं के आसपास आपको उल्टी आने लगेगी. Don't get hold of that. इसके बिल्कुल पकड़ में ना पाएं. ऐसा ना हो कि एक परिवार खुदा के साथ जा रहा है और एक बड़ लड़का क्रॉस के बुंदे पहन के दुनिया में नाच रहा है. बिल्कुल सच बात है ब्रदर. हमारी है. मैं पहले से बोल रहा हूं एक ये लड़कों का शीशों के सामने खड़े होकर अपने आप को सजाना जो आजकल पकड़ा जा रहा है, मेल ग्रूमिंग. सुना आपने इस्टम? मेल ग्रूमिंग, यस. शीशों के सामने ये भी ले लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं. भैया आप क्या बड़े पुराने, आप बड़े पुराने दिमाग के. नहीं नहीं नहीं, मैं पुराने दिमाग का नहीं हूं. मुझे इन चीजों से उल्टी आती है. आमेन. एक लड़की कुछ हद तक करे समझ में आता है, लेकिन लड़के कर रहे हैं आजकल. समझ में आ रही है? शीशों के सामने खड़े होकर थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ, कभी ये कभी वो. ये क्या है नॉनसेंस? रोमियो एक. आमेन. क्योंकि खुदा को जानने के बाद उन्होंने खुदा के योग बलिदान नहीं चढ़ाया. नहीं चढ़ाया. आप ही बोलो. इसलिए उनका पापी मन अंधेरा हो गया. हाँ जी, यह है कारण. वर्शिप नहीं करते, दुआ नहीं करते. जोर से गाना गाओ घर में, अपना कमरा बंद करो, जोर से गाओ, परिवार वालों को सुनने दो. आज मेरा बेटा गा रहा है. Amen. आज मेरी बेटी गा रही oh, है. Lord, yes. जोर से गाना गाओ. जितना जोर से गाओगे उतनी अकल ज्यादा खुलेगी. Amen. जितनी जोर से आमीन हालेलुया बोलोगे उतना ज्यादा कल खुलेगी, काम होगा. आमीन आमीन. जीवन चलने शुरू हो जाएंगे. आमीन. दुष्ट आत्माएं भागेंगी. आमीन. समझ में आ रही है? आमीन. ये केवल मैसेज नहीं है, घर जाओ और उस पर अमल करो. आमीन. मेरा मन नहीं करा, मतलब नहीं, मेरा मन नहीं करता बाइबल पढ़ने का. बेमन उठाओ बाइबल, खोलो, पढ़ो, बैठो, कुछ दिन के बाद मन करेगा. आमीन. फिर एक दिन इतना करेगा कि अब बाकी सब बकवास लगेगा. आमीन. समझ में आ रही है आपके? हालेलुया. गॉड रियली ब्लेस यू. आई विल स्टॉप दिस मीटिंग. मैं सभा को रोकूंगा. एंड वंस अगेन से गॉड ब्लेस यू ब्रदर टाइटस. और एक बार फिर कहूंगा भाई टाइटस खुदा आपको बड़ी बरकत दे. एंड सिस्टर वायलेट टाइटस. और बहन वायलेट टाइटस. ऑल ऑफ अस. हम सब के सब. पार्ट ऑफ द चर्च. जो कलीसिया का जो हिस्सा यहां है मौजूद है. Who have gathered here on this occasion. जो कि इस समारोह में इकट्ठा है. Congratulations for to you all. आप सबको congratulations. We are celebrating our 50th anniversary. हम एक 50वीं शादी की वर्षगांठ मना रहे हैं. And even for us. यहां तक कि हमारे लिए भी. A jubilee. एक jubilee. Before we go to the new year. इससे पहले कि हम नए साल में जाएं. After last night's message.
कल रात की मीटिंग के बाद आई एम वेरी एक्सपेक्टेंट मैं बहुत ज्यादा अपेक्षित हूं आई नो मैं जानता हूं समथिंग इज वेटिंग राउंड द कॉर्नर कोई चीज है जो कि बहुत आसपास है आई कैन हियर द रसलिंग ऑफ द लीव्स मैं पत्तों की सनसनाहट को सुन सकता हूं एंड आई नो समथिंग इज डाउन द रोड ब्रदर मैं जानता हूं मार्ग में आगे कुछ है प्रे प्रार्थना करें अलाइन योरसेल्फ विद द वर्ड अपने आप को वचन के साथ अलाइन करें एंड द मेजा इज लेफ्ट अनबिलीफ और मजूसियों ने विश्वास को छोड़ दिया दैट्स व्हेन द लाइट अपीयर्ड अगेन ये वो समय है जब वो रोशनी दोबारा से प्रकट हुई डोंट वेस्ट योर टाइम अपना समय बर्बाद ना करें इट्स अ गॉड गिवन टाइम गॉड ब्लेस यू खुदावन की ओर से दिया गया समय खुदावन आपको बड़ी बरकत दे लेट्स प्रे आइए प्रार्थना करेंगे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज शाम के सुंदर अवसर के लिए जब आपने प्यारे भाई ब्रदर टाइटस और सिस्टर टाइटस को विवाहित जीवन में 50 साल पूरे करने का मौका दिए कितने उतार चढ़ाव भाई के जीवन में बहन के जीवन में आए लेकिन आपने इन्हें बचाया और अब तक सुरक्षित रखा है और ये दिन देखने का फजल दिया आज हम सब भाई बहन के साथ मिलके इस खुशियों में शामिल हैं और मांगते हैं कि आगे भी ऐसा ही हो कि हमारा ये परिवार आपके साथ जिंदा रैप्चर में जा सके हमारी तो यही दुआ है और खुदावन अब दुआ हमारे लिए भी है कि अब रैप्चर को हेसन करें और क्या हो कि ये वर्ष जो आने वाला है वो समय बने जब ये ब्राइड यहां से उड़ के रैप्चर में जाए साथ ही साथ वो तमाम बातें जो हमने सीखी इस गवाही के द्वारा कैसे दुआ करना है कैसे बाइबल पढ़ना है हमारे जवान हमारे बच्चे यहां तक कि हम भी इन चीजों को सुने सीखें समझें हे पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके आप रहें और इन चीजों को हमारे जीवनों से पूरा करवाएं तौफीक दें कि हमारे लोग इसकी वक्त को समझें और रिपेंट करके सही हो जाएं इससे पहले कि बहुत देर हो रहम चाहते हैं सारे आदर महिमा के योग आप हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आए हमारे बाप आप जो आसमान में हैं आपका नाम पाक माना जाए आपकी बादशाही आए आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्शते हैं और जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं आप हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं हमें आजमाइश में ना पड़ने दें राय से बचाएं कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है आमीन एंड आमीन सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय गॉड ब्लेस यू प्रेज द लॉर्ड एक दूसरे को हैप्पी जुबली बोलें सच बात है भाई से मिले तो उनको तो ग्रीट करें ही करें भाई को बहन को मिले उन्हें ग्रीट करें उनको भी हैप्पी जुबली बोलें एक दूसरे को भी आप हैप्पी जुबली बोलें God bless you. Happy Jubilee. God bless you. Happy Jubilee. God bless you. Amen. Today.